जय हिंद एवरीवन आई एम पृथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है एक बार कंफर्म कर दीजिए इज माय वॉइस एंड वीडियो क्लियर और आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं आज से इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर होने वाला है इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है अगर मैं सी की बात करूँ तो सी में काफ़ी ज़्यादा है लास्ट ईयर मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा था कि सी के अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब अब वो वाली बात नहीं रही है कि आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लिया या केवल आपने एनसीआर पढ़ ली और आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा और आप सी लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे अभी ये नहीं हो रहा है अभी क्या हो रहा है मैं पिछले दो सालों की बात मैं आपको बताता हूँ अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी के अंदर जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और शायद आपको बात जान के हैरानी होगी या जो बच्चे जिन्होंने पहले भी सी का एग्जामिनेशन दिया है उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉलिटी कर लेते हैं हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लेते हैं हिस्ट्री के अलावा अगर, अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कर लेते हैं बट क्या होता है इकोनॉमिक्स को छोड़ के चले जाते हैं ये कई सारे बच्चे करते हैं आपने भी शायद ये मिस्टेक करी होगी अब होता क्या है कि इकोनॉमिक्स का वेटेज जितना बढ़ गया है कई बार बीस से बाईस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अब अगर उन क्वेश्चंस को आपने अवॉइड कर दिया आप समझिए 20 क्वेश्चंस कोई बहुत छोटा मोटा नंबर नहीं है बहुत बड़ा नंबर होता है कई बार ये होता है कि जीएटी के पूरे पोर्शन के अंदर या मैं जीएस के पोर्शन की अगर बात करूं तो जीएस के पूरे पोर्शन के अंदर आप देखिएगा इकोनॉमिक्स के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं अब उसको समझना जरूरी है उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इकोनॉमिक्स को अवॉइड मत कीजिएगा बिकॉज कई बार क्या होता है कि कई बच्चे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो तो बहुत बहुत अलग सा सब्जेक्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है इकोनॉमिक्स को पढ़ना तो बहुत टफ हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है एक चीज याद रखिएगा सीडीएस की मैं पर्टिकुलरली आज बात करूंगा कि सीडीएस इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन से पूछता है बेस लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आसान क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है घुमा फिरा के पूछ रहा है बट अगर आपका बेस बहुत अच्छा है ना अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से करके रखें तो फिर आप हर तरह के क्वेश्चन को बना देंगे तो हम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं है ना हर हर महादेव जय श्री राम और इस सेशन के अंदर कई सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले आज तो पहला ही लेक्चर है मेरा इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम क्या करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे पहले कि बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या किस बारे में बात की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सारी चीजें होती हैं कौन कौन सी चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा हम नेशनल इनकम के टॉपिक को भी कंप्लीट करने वाले हैं नेशनल इनकम के अंदर क्या है एनडीपी जीडीपी क्या होता है एनएनपी क्या होता है इसके अलावा परचेसिंग पावर पैरिटी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ओपन इकोनॉमी क्या होती है क्लोज इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमी क्या होती है जिसके बारे में लगातार अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है नहीं इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता आज के टाइम पर तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है समझिएगा आज के टाइम पर आप इकोनॉमिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाया है और पॉलिटी के अभी हम लोगों ने आधे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स चलेगा हमारा देन अगेन फिर से पॉलिटी करवाई जाएगी बट एक पॉइंट याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स को अवॉइड मत करना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और डिटेल्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कई बार कुछ ऐसे टर्म्स होती है जो कि करंट अफेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है वो टर्म्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ठीक है अवॉइड नहीं करना है पढ़ने का तरीका क्या रहेगा पढ़ने का तरीका कॉन्सेप्चुअल रहता है देखिए इकोनॉमिक्स जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किताब पढ़ के नहीं समझा जा सकता है कई बच्चों ने ट्राई भी किया होगा मार्केट के अंदर कई सारी किताबें भी हैं अच्छी किताबें भी हैं और ऐसी किताबें भी हैं जो बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं इकोनॉमिक्स को आप किताब पढ़ के नहीं पढ़ सकते जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में प्रेसिडेंट के अंदर पता है कि प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर ये है तो आप प्रेसिडेंट के पार्टनिंग पावर को पढ़ के समझ सकते हो कि हाँ प्रेसिडेंट के अंदर ही सारे पावर्स होते हैं सारी चीजें होती है इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इकोनॉमिक्स जो है आपको समझना पड़ेगा ये बहुत थियोरिटिकल सब्जेक्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा चलते हैं मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मनी मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है क्या है सी आर आर एस एल आर ये सारी चीजें क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है याद रखिएगा इसमें आप मग अप नहीं कर सकते कि आपने पढ़ लिया मग अप कर लिया याद हो गया इसको समझना पड़ेगा समझिएगा इसको समझना पड़ेगा कड़ियों को जोड़ना पड़ता है एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के अंदर अगर पहली चीज नहीं पता आपको तो बात की चीज नहीं आएगी ये समझिएगा जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि बैंकिंग के अंदर अगर आपको सीआरआर एसएलआर समझना है तो आपको एनडीटीएल पता होना चाहिए बेसिकली क्या एनडीटीएल समझना है तो मनी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मनी है क्या मनी का कॉन्सेप्ट समझना है तो बेसिकली आपको पहले इन्फ्लेशन के बारे में डिमांड सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए तो इकोनॉमिक्स का क्या होता है ना कि बेसिकली सारी चीजें इसकी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है है ना तो मैं पहले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ही इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ने के हवाले हैं और जिस तरीके का आपका शेड्यूल रहेगा इकोनॉमिक्स का वो वैसा रहेगा कि चीजें आपके क्लियर हो जाए जैसे आपने देखा होगा ना कि मैथ्स के अंदर क्या होता है कि अगर ये टॉपिक आपको पता है तो आगे के हो जाते हैं समझने में आसान होते हैं सेम चीज इकोनॉमिक्स के साथ भी है कि अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है इकोनॉमिक्स का तो आगे के टॉपिक समझने में आपको काफी आसानी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और ध्यान से इस सेशन को आप सुनिएगा पढ़िएगा अगेन कॉपी लेकर बैठना है कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा समझिएगा कि क्या सारी चीजें है किस चीज को आपको लिखना है क्या सारी चीजें ध्यान में रखनी है दिमाग अंदर के अंदर रखिएगा और एक चीज याद रखना इकोनॉमिक्स के अंदर योर बेसिक्स शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन आई एम टेलिंग यू बेसिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना प्रश्न आप देखोगे अगर 22 क्वेश्चन आते इकोनॉमिक्स के तो 22 में से 15 क्वेश्चंस बेसिक से आ रहे हैं जिस बेसिक को अवॉइड कर दिया जाता है ठीक है तो ये पॉइंट याद रखिएगा बेसिक्स को पढ़ना आपको शुरू करना पड़ेगा चलिए शुरू करते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हम देखेंगे कुछ मेजर टर्म्स के बारे में जानेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे लैंड लेबर इंटरप्रेनोर कैपिटल इन सबके बारे में जानेंगे इसके लिए बाद हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे दैट इज जीडीपी क्या होती है जीडीपी भी नॉमिनल जीडीपी क्या है रियल जीडीपी क्या है एनडीपी क्या होती है एनएनपी क्या होती है बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से पढ़िएगा और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने नोट्स बनाइएगा और अगर पहली बार आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नोट्स बना नहीं है बिना नोट्स बनाए इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा आप अपने साथ धोखा करोगे अगर बिना नोट्स बनाए इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सबसे पहले शुरुआत की अगर बात की जाए तो बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या हिंदी में क्या कहा जाता है इसे अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र आपने इस किताब के बारे में भी सुना होगा अर्थ का शास्त्र अर्थशास्त्र अर्थ मतलब क्या होता है अर्थ का मतलब होता है धन मनी अब सवाल यह आता है कि धन केवल रुपया पैसा होता है क्या केवल मनी को या केवल धन के अंदर मनी के अंदर, के अंदर केवल करेंसी आती है क्या मनी के अंदर या धन के अंदर केवल रुपया आता है क्या तो ये ये कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मनी के अंदर केवल करेंसी नहीं आती जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की तो अर्थ का मतलब केवल धन कभी भी नहीं होता है अर्थ का मतलब जमीन जायदाद भी होता है अर्थ का मतलब केवल धन नहीं होता अर्थ का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसका क्रय विक्रय किया जा सकता है उसको भी अर्थ कहा जाता है ये पॉइंट याद रखिएगा बहुत बेसिक चीज है हमारे दिमाग में क्या होता है अर्थशास्त्र हम इकोनॉमिक्स की बात करें इकोनॉमिक्स मतलब क्या आएगा मनी आएगा मनी आएगा बट मनी केवल कॉइन नहीं होता है मनी केवल करेंसी नहीं होता मनी एसेट्स भी होती है आपका व्हीकल भी आपकी मनी है आपकी जमीन भी आपकी मनी है और कई बार आपकी जो गुडविल होती है प्रतिष्ठा वो भी आपकी मनी होती है गुडविल भी सेल होती है गुडविल हाँ. को भी सेल किया जाता है तो याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब क्या है अर्थशास्त्र मनी का शास्त्र अगर मैं कहूं तो कि किस तरीके से मनी को मैनेज किया जाता है हाउ टू मैनेज द मनी हाउ टू मैनेज द अदर थिंग्स कैसे किसी कंट्री के अंदर उसके प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन को उसके फैक्ट्रीज के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंज्यूम हो रही है कैसे उसको मैनेज किया जाता है और इसी के बारे में हम बात करने वाले देखिए जो पहला है जो शब्द इकोनॉमिक्स ये शब्द इमर्ज कहाँ से हुआ है आप याद रखिएगा ये टर्म इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक से ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक के अंदर एक शब्द यूज किया जाता था ओकीोनोमिया ना ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा Okonomia, ये ग्रीक है इस शब्द का मतलब होता था हाउस होल्ड मैनेजमेंट हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब घर का मैनेजमेंट घर की चीजों को मैनेज करना किस तरीके से मैनेज करना क्या चीज परचेस करनी है घर के अंदर पैसा कैसे आएगा घर के बाहर पैसा किसकी चीजों के ऊपर खर्चा होगा मनी आएगी कैसे मनी जाएगी कैसे हाउस होल्डमेंट मैनेजमेंट ये पॉइंट याद रखिएगा इसीलिए ये माना जाता है कि इकोनॉमिक्स शब्द की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है ग्रीस से हुई छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और इकोनॉमिक्स जो है वो दुनिया के अंदर एक अभिन्न अंग बन गया और एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है आज आप देखिएगा किसी भी कंट्री के पास कितना पावर है किसी भी कंट्री के पास कितनी ताकत है कोई भी कंट्री कितनी आगे बढ़ सकती है कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है वो उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने भी पावरफुल हो अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छे नहीं है तो आप नीचे गिर जाएंगे याद रखिएगा दैट्स वाई इकोनॉमिक्स आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के रह बन गया है अब क्या होता है ना कि कई बार जब हम शब्द सुनते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हम कई बार शब्द सुनते हैं तो एक मन में थोड़ा सा सवाल भी उठता है कि वाई दैट सब्जेक्ट इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इतना महत्वपूर्ण क्यों है आप पिछले तीन चार साल पांच साल से देखिएगा मैं यूपीएससी की हर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात की जाए चाहे एनडीए की आप बात करिए चाहे सीडीएस की बात कीजिए चाहे सीएपीएफ की बात कीजिए मैं जानता हूं आपसे कई सारे बच्चे इन सारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के वेटेज को लगातार बढ़ा दिया है क्यों बढ़ा दिया है बिकॉज दुनिया के अंदर जितने चेंजेस आ रहे हैं वो कंट्रीज की इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर आ रहे हैं और जब कोई व्यक्ति एक अधिकारी के तौर पर आगे बढ़ता है चाहे वो एक सैन्य अधिकारी बने या सेवा के अंदर जाकर अधिकारी बने सिविल सर्विसेज के अंदर जाके आगे जाके अधिकारी बने उसे इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि जिस चीज के ऊपर अपने कंट्री का बेस टिका है दैट इज आर इकोनॉमी दैट्स वाई क्या किया गया है? कि इकोनॉमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर सब्जेक्ट के तौर पर लेकर देखा जाने लगा अब क्या हुआ थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर कि आज के टाइम पर हम जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या आज के टाइम का जो अर्थशास्त्र है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है क्या आज के टाइम पर जो पूरा मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है पहला प्रोडक्शन दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा कंजम्पशन याद रखिएगा तीन चीजों के ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स बेस्ड है आज का प्रोडक्शन किसी चीज को आपने प्रोड्यूस किया डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग जगह पर और तीसरा क्या होता है कंजम्पशन कंजम्पशन की कंज्यूमर ने उस चीज को कंज्यूम किया इस पूरी जगह पर जहां पर चीजें प्रोड्यूस की, की, की जा रही थी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी या मनी प्रोड्यूस हो रही थी रिड्यूस कैसे हो रही है उसके पास मनी आई है उसके पास मनी प्रोड्यूस हुई है जिसने चीज खरीदी उसके पास मनी रिड्यूस हुई है बट उस मनी के बदले उसको क्या मिला है उसको मिला है वो गुड्स या

चलिए अब आप कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात कर ली जाए आज के टाइम पर हम जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आज जो मॉडर्न मॉडर्न इकनॉमिक्स आप पढ़ते हैं मॉडर्न इकोनॉमिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कंट्री के अंदर जो अन्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इन्फ्लेशन की बात करते हैं पॉवर्टी की बात करते हैं ये सारे के सारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो जनक है वो माना जाता है एडम स्मिथ को याद रखिएगा एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है कि आज का जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं आज का जो अर्थशास्त्र है जो मॉडर्न जमाने के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं इसके जो फादर हैं ये कौन है एडम स्मिथ को माना जाता है इन्होंने कई किताबें लिखी हैं कई सारी इनकी थ्योरीज हैं इनकी जो मेजर थ्योरी है याद रखिएगा कुछ मेजर थ्योरीज हैं जैसे पहली थ्योरी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशन इसको नोट कर लीजिएगा द वेल्थ ऑफ नेशंस थ्योरी किसकी है वेल्थ ऑफ नेशंस थ्योरी एडम स्मिथ की इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट था लेस फेयर

गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन मतलब किसी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है उसके मार्केट के अंदर चीजें खरीदी जा रही है बेची जा रही है प्रोड्यूस किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कंज्यूम किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना गवर्नमेंट का लो इंटरवेंशन ये पॉलिसी के बारे में बात करती है और इसका इन्होंने क्या करा था इसका उन्होंने विरोध नहीं किया था इसका एडवोकेट किया था दैट मीन्स इसको इन्होंने सपोर्ट किया था कि हाँ किसी भी कंट्री के अंदर इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए किसने करा था ये एडम स्मिथ साहब ने करा था याद रखिएगा इसके अलावा इनकी कई सारी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइंड इकोनॉमिक एज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस वेल्थ ऑफ नेशंस जो इन्होंने बुक लिखी थी या इनकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसमें इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर बताया था कि कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर या कह सकते हैं कि उस कंट्री को कैसे पूरी दुनिया के अंदर आगे बढ़ा सकती है और कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी उस कंट्री को खत्म कर सकती है अगर उसकी इकोनॉमी सही नहीं हुई तो तो याद रखिएगा यहां से कॉन्सेप्ट आपको नोट करना है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ साहब को यहां तक क्लियर है प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार देन आगे बढ़ते हैं हाँ जी यहां तक क्लियर है जय हिंद क्लियर है ओके okay, चलिए आगे हम बात करें जैसा कि हमने बात करा था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या आज के जमाने में इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस की तरह लिया जाता है जैसे आपके दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटी की मैं बात करूं हिस्ट्री की बात करूं ज्योग्राफी की बात करूं उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को भी एक सोशल साइंस माना जाता है बट याद रखिएगा सोशल साइंस है साइंस का मतलब क्या होता है साइंस का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकल यूज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग किया जाता है आप देखिए आपके आसपास जितनी भी चीज़ है सारी जगह पर इकोनॉमिक्स चल रहा है या इकोनॉमी चल रही है आप देखिए आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लेक्चर ये आ रहा है आपने कोई फोन परचेस किया होगा उस परचेस फोन को परचेस करने में आपने पैसा दिया होगा आपके घर में आपके जो पेरेंट्स मनी अर्न कर रहे हैं मनी को खर्चा कर रहे हैं आपके ऊपर आप जब जॉब करेंगे तो जॉब के द्वारा क्या आएगा पैसा आएगा उस पैसे को मार्केट में आप खर्चा करेंगे चीजों को कंज्यूम करेंगे सारी की सारी चीज़ें क्या चल रही है ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में चलती है ये सारी की सारी चीजें चल रही है आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर और याद रखिएगा सारी की सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर चलती है तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया इस इकोनॉमिक्स से अछूती नहीं रह सकती है आज के टाइम पर अगर बात की जाए जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर मेजरली तीन चीजों की बात की जाएगी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दो चीजें बताई जा रही है इसमें गुड्स और सर्विसेज ये माना जाता है कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं एक सोशल साइंस है किस तरीके से चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है किस तरीके से चीजों को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किस तरीके से चीजों को मार्केट में कंज्यूम किया जाता है अब यहां पर सवाल आता है कि किससे प्रोड्यूस किया जा रहा है किसे कंज्यूम किया जा रहा है किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो यहां पर लिखा हुआ है किसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज का अब सवाल ये आता है कि वॉट इज गुड्स एंड वॉट इज सर्विसेस दोनों की बातें ध्यान से सुनिएगा दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं गुड्स बहुत अलग चीज होती, होती।, होती है सर्विसेज बहुत अलग चीज होती है एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं बताऊं गुड्स वो सारी वस्तुएं होती हैं जो भौतिक स्वरूप के अंदर है या जो भौतिक रूप से आपको दिखाई देती हैं और उस चीज को परचेस करने के लिए आप खरीदते हैं मनी का ट्रांजेक्शन किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि आप जिस लैपटॉप के ऊपर या जिस फोन के ऊपर मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो लैपटॉप या फोन गुड्स के अंदर आएगा क्यों गुड्स के अंदर आएगा बिकॉज आपने जब उसके लिए पैसा दिया उस पैसे के बदले आपको एक फिजिकल वस्तु मिल गई जो आपको दिख रही है भौतिक स्वरूप के अंदर वो अपने थी फिजिकल फॉर्म के अंदर थी इसे कहा जाता है गुड्स आप जाते हैं मार्केट के अंदर मार्केट में आप जाते हैं आपका पेन की रिफिल खत्म हो गई आप मार्केट के अंदर जाते हैं अब मार्केट के अंदर जाके भैया से बोलते कि मुझे पेन के लिए एक नई रिफिल दे दीजिए वो दस रुपए की रिफिल आपको देता है दस रुपए की एक जो रिफिल आपको मिल रही है वो भी फिजिकल फॉर्म के अंदर है, वो भी किसके अंदर आती है वो भी गुड्स के अंदर आती तो अगर मैं सामान्य भाषा के अंदर बात करूं, या ले के अंदर मैं बात करूं वो सारी चीजें होती जो है और आपको फिजिकल फॉर्म के अंदर वो चीज मिल जाती है कंसीडर एज अ गुड्स अब हम बात करते हैं कि देखिए गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है हाँ किया जाता है ये पेन है जिससे मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन किया गया होगा Obviously किया हो गया होगा ये जो स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हैं इसका भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन किया होगा बिल्कुल किया गया होगा दूसरा होता है आपका सर्विसेज सर्विसेज ऐसी चीजें होती जिसका आप उपभोग तो करते हैं जिसको आप कंज्यूम तो करते हैं जिसका आप यूज तो करते हैं बट याद रखिएगा तो वो आपको दिखाई नहीं देती फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आप, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सर्विसेज का जो काफी इंटरेस्टिंग है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है क्रिकेट की जो टिकट है उस मैच की टिकट है वो कितनी है वो है पांच हजार रुपए अब आप पांच हजार तो के बदले आपको क्या कोई फिजिकल चीज मिलती है मतलब कुछ ऐसा होता है कि, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई फिजिकल चीज है वो आपको मिल जाएगा नहीं वो फिजिकल चीज आपको नहीं मिलती आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है सर्विस क्या प्रोवाइड की जाती है कि जितने समय वो मैच चल रहा है आप जाकर उस मैच को देख सकते हैं इस कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं और उस चीज का आनंद ले सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं दैट इज सर्विस इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो उस और इंटरेस्टिंग सा है आपने अपने सभी ने अपने मोबाइल के अंदर भी रिचार्ज करवा के रखा है रिचार्ज करवा के रखा होगा डेफिनेटली दैट्स वाई क्या हो रहा है कि दैट्स वाई आप लोग जो है वो इस लेक्चर को देख पा रहे हैं बिकॉज जब आप रिचार्ज करवाते तो आपको इंटरनेट डेटा मिलता है अब आप मुझे बताइए कि आपने 500, 600, 250, 300 ढाई जितने का भी रिचार्ज करवाया होगा क्या रिचार्ज करवाते समय आपको कोई फिजिकल चीज उसने दी ढाई सौ रुपए आपके पेटीएम अकाउंट से कटे या फोन पे अकाउंट से कटे और क्या कोई फिजिकल चीज आपके पास आई थी नहीं आई थी आपको की क्या सर्विस और जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की कंजम्पन की डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों चीजों की जब हम बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा कौन सी तीन चीजें अगेन रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं जब हम तीनों चीजों की बात करते हैं तो यहां पर जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही है जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है जो कंज्यूम किया जा रहा है वो केवल गुड्स नहीं होता वो तो क्या क्या होता है वो गुड्स भी होगा और साथ में गुड्स के साथ क्या होगा सर्विसेस भी होता है इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा गुड्स क्या होते हैं सर्विस क्या होता है मैंने आपको बता दिया और आप देखिए इन तीनों चीजों के अंदर चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं चीजें कंज्यूम की जा रही है क्या चीज़ ट्रांजेक्शन के अंदर आ रही है मनी क्या चीज़ ट्रांजेक्शन के अंदर आ रही है मनी ट्रांजेक्शन के अंदर आ रही है मनी के अंदर आपके पॉइंट भी हो सकते हैं और मनी के अंदर आपके अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर केवल मनी का खेल नहीं होता मनी के अलावा दूसरी चीज़ों का खेल भी होता है ट्रांजेक्शन के अंदर मनी भी आ सकती है और दूसरी कोई दूसरी वस्तु भी आ सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछू कि आप क्या करते हैं कि आपके पास एक बाइक रखी है ठीक है आपके पास हीरो होंडा की करिश्मा है काफी पुरानी बाइक हो गई आपकी दो हजार के अंदर आपने उस बाइक को परचेस करा था अब होता यह है कि आपको ओए के ऊपर मेरी बात ध्यान से सुनना ओएल्स के ऊपर आपको एक बजाज पल्सर मिलती है ठीक है वो भी 2011 मॉडल की है आपकी करिश्मा 2012 मॉडल की है आप दोनों जो उस बाइक को बेच रहा है बजाज पल्सर वाला और आप करिश्मा के ऑनर हैं आप दोनों ये डिसाइड करते हैं ध्यान से सुनिएगा आप दोनों ये डिसाइड करते हैं अगेन सुनिएगा इंटरेस्टिंग सी बात है और इंपॉर्टेंट है आप दोनों डिसाइड करते हैं कि आप एक दूसरे की बाइक को एक्सचेंज कर लें आप उसे करिश्मा दे दे और आपकी करिश्मा के बदले वो आपको पल्सर दे देगा अब आप बताइए कि यहां पर गुड्स का लेन देन तो हुआ है गुड्स का लेन देन तो हुआ है क्या ये इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा बिकॉज चीजें इधर से उधर तो गई हैं जी हाँ ये भी इकोनॉमिक्स के अंदर आता है बिकॉज याद रखिएगा जब मैं ट्रांजेक्शन की बात करना हूं तो ट्रांजेक्शन केवल मनी के फॉर्म में नहीं होता वो किसी दूसरे गुड्स के फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कि बाइक के बदले मैंने उसको ये दे दिया इसके बदले मैंने उसको ये दे दिया याद रखिएगा चीजें जब ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो केवल वो मनी के फॉर्म के अंदर नहीं होगी वो मनी के अलावा दूसरे फॉर्म के अंदर भी होती है क्लियर है समझ में आ रहा है और आपका पूरा इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर चलता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पन के ऊपर चलता है बट हम जब

ये सारी की सारी थ्योरीज को जब मैं अपनी कंट्री के अंदर की तो तो तरह काम करता है इकोनॉमी क्या है जब उस थ्योरी को आप कहां पर अप्लाई कर देते हो जब आप उस थ्योरी को कहां अप्लाई करते हैं ध्यान से सुनिएगा जब आप उस थ्योरी को अप्लाई कर देते हो किसी कंट्री के अंदर या किसी मार्केट के अंदर अप्लाई कर देते हो मार्केट मतलब किसी कंट्री के इकोनॉमिकल मार्केट के अंदर अप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है वो आपका बन जाता है इकोनॉमी याद रखिएगा अ थ्योरी इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल इतनी सी बात है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम बात करें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्शन इन तीनों के बीच में चीजों के बीच में इकोनॉमिक्स आपका चलता है पूरी इकोनॉमिक्स के बीच में चलती है बट हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू के अंदर हमें आपको हमको चीज़ें पढ़नी पड़ती है हमें जी के बारे में जानना पड़ेगा पॉवर्टी के बारे में जानना पड़ेगा नेशनल इनकम के बारे में जानना पड़ेगा अब ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी क्यों है बिकॉज आप समझिएगा कि बिकॉज आपकी जो आने वाली पोस्ट होने वाली है उसमें आपको कई बार ये चीजें देखने को मिलेगी या कई बार आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या चल रही है क्या चीजें चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मैं सीधी सी बात करूं तो चलिए आगे बात करते हैं अब देखिए है। शुरुआती तौर पर अगर अपन बात करें तो शुरुआती तौर पर मनी का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत लिमिटेड फॉर्म के अंदर था आज के टाइप पर हम टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड वे के अंदर हो गया मनी के अंदर केवल करेंसी नहीं आती करेंसी के अलावा दूसरी चीज़ें भी मनी के अंदर आ जाती है बट शुरुआती तौर तो पर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक्स है या जो इकोनॉमी है वो ऐसा नहीं है कि दस बीस साल या पचास साल या दो साल पुरानी ये चीज़ें कॉन्सेप्ट अभी अभी आया है ये सब्जेक्ट शुरुआत से दुनिया के अंदर था देखिएगा शुरुआत में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर एक बार्टर सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम के बारे में आप सब जानते होंगे इस चीजें ले वो सात चीजें दे अगर किसी व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है तो गेहूं के बदले यहां पर देखिए उसे क्या मिल गया मछली मिल गई है ये क्या चलता था बाटर सिस्टम चलता था आप सब जानते हैं इसके बारे में पर धीरे धीरे कंट्रीज अच्छे तरीके से डेवलप होती गई नई नई चीजें इमर्ज होती गई और आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो जो ट्रांजेक्शन का मेजर मीडियम है अब वो बाटर नहीं रहा वो ट्रांजेक्शन का मेजर मीडियम क्या हो गया है मनी हो गया याद रखिएगा बट इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं आपको अगेन मैं इस चीज को बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन की बात करते तो ट्रांजेक्शन केवल मनी का नहीं होता है मनी के अलावा दूसरी चीजों का भी ट्रांजेक्शन होता है याद रखिएगा ये चीज आज भी चलती है आज भी कई गाँव के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बाटर सिस्टम आज भी वहां पर होता है आपके गाँव में है क्या चीजें है चीज़े? ऐसा कुछ है। दिवाली के ऊपर आपके यहाँ पर आपके घर पे कुछ लोग काम करने आते हैं आपकी मम्मी उनको पैसा नहीं देती आपकी मम्मी दिवाली के ऊपर कहती है कि हम आपको कुछ कपड़े दे देंगे आपको हम पैसे के बदले गेहूं दे देंगे और वो लोग भी खुशी खुशी राजी हो जाते हैं तो क्या वो इकोनॉमिक्स नहीं है जी हाँ वो भी इकोनॉमिक्स ही है तो समझिएगा कि आप इस चीज को पहले तो अपने दिमाग से निकालो कि इकोनॉमिक्स के अंदर सर हम केवल मनी की बात करते हैं ये चीज पूरी की पूरी गलत है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए अब शुरुआत से हम अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स मेजरली तीन चीजों के ऊपर आपका टिका हुआ है पहला प्रोडक्शन दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा कंजम्पशन पहली चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चीजों को प्रोड्यूस करना बिकॉज जब तक आप किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे मान लीजिए पेन है इस पेन को जब तक मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाऊंगा इसका प्रोडक्शन नहीं करूंगा ना तो ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना इसको कोई कंज्यूम करेगा कंज्यूम करेगा मतलब परचेस वो करेगा और ना ही फिर क्या होगा ना ही फिर वो मनी का ट्रांजेक्शन होने वाला है दैट मीन्स इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका प्रोडक्शन की चीजों को प्रोड्यूस करना पहले जरूरी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्शन बाद तो बाद की बात में प्रोड्यूस तक इसे प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी जरूरी है है और किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चार चार फैक्टर्स फैक्टर्स का होना बहुत अगर ये चार नहीं होंगे तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और इन फैक्टर्स को कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपने आपकी एनसीआर की किताबों के अंदर कई सारी इकोनॉमिक्स की किताबों के अंदर आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताइए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पढ़ा है किसी ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैं उन बच्चों से बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी मेरी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं जो नए बच्चे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या कि, कि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मेजर फैक्टर्स का होना जरूरी है पढ़ा है अब देखिए बेसिक चीज है बहुत बेसिक चीज है बहुत बेसिक सी बात है पर क्या होता है कई बार हम इसको मिस कर देते हैं कई बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते क्या लगता है एग्जाम में हर एग्जाम में तो बहुत डिफिकल्ट चीज आती है हर एग्जाम में तो इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में तो पूछा जाता है डोंट गो फॉर दैट जरूरी नहीं कि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट पूछा बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा भ्रम है बच्चा क्या करता है बच्चा बेसिक कवर नहीं कर रहा है बच्चा बेसिक के अलावा सब कवर कर लेता है और वो सब में से कुछ नहीं आता आएगा बेसिक से ही वो जो सब ऊपर का आप पढ़ते हो ना उसकी पूरी एक डोर जुड़ी हुई है आपके बेसिक से आपके बेसिक जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को सही जवाब दे पाएंगे इस पॉइंट को याद रखिएगा चलिए अब हम फैक्ट्रीस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चार फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है पहला जो फैक्टर है इसे कहा जाता है लैंड दूसरा आपका लेबर तीसरा आपका कैपिटल और चौथा आपका होता है इंटरप्रेनोर अब सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं तो याद रखिएगा देर आर ओनली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इसे नोट कर लेना इंपॉर्टेंट चीज है जी आ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सवाल पूछा जा सकता है सर, बहुत अच्छे से सवाल पूछा जा सकता है याद रखिए बार -बार देना बच्चा मैं बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने कोई किताब उठाई और किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद समझ में कुछ नहीं आता उनको भूल जाते हैं क्यों होता है बिकॉज बेसिक्स क्लियर नहीं है इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है याद रखो ये बेसिक्स है बेसिक समझ में नहीं आया ना तो हो जाएगी दिक्कत इसलिए बोल रहा हूं बेसिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ो बहुत ध्यान से समझो उसके बाद हम आगे बात करेंगे चलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो चार फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इज लैंड दूसरा फैक्टर की हम बात करें लेबर तीसरा होता है आपका कैपिटल और चौथा आपका होता है इंटरप्रनोरशिप अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड एज अ फैक्टर ऑफ

ये सारे के सारे लैंड के अंदर आते तो ये सबसे पहली चीज याद रखना स्टेटमेंट के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि क्या लैंड के अंदर केवल जमीन आती है? क्या लैंड के अंदर केवल अर्थ आता नहीं केवल अर्थ नहीं आएगा सुनिएगा। लैंड वो सारी चीजें जो आपको जमीन से मिल रही है एग्जाम्पल के तौर पर बात करें मिट्टी वॉटर फॉरेस्ट मिनरल्स पेट्रोलियम

अब रॉ मटेरियल तुम कहां से निकालोगे लैंड से निकालोगे आई बात समझ में यहां से निकालोगे सर टायर प्रोड्यूस करना है कार का टायर प्रोड्यूस करने के लिए जो रबर है वो कहां से मिलेगा सर जंगल से रबर के पेड़ से मिलेगा फॉरेस्ट किस में आता है लैंड के अंदर आता है याद रखिएगा आप इस चीज को समझिएगा किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज लैंड वो बहुत जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेस जिसको आप रॉ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं समझिएगा जिसे आप रॉ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं वो लैंड यहां पर सबसे पहले यूज किया जाता है आई बात समझ में दैट्स हम क्या पढ़ रहे हैं लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें उसमें केवल ये याद रखिएगा केवल जमीन नहीं आती कि केवल जमीन की बात कर ली सर जमीन से मिलने वाली सारी चीजें है जिसमें फॉरेस्ट भी है जिसमें आपकी विंड भी है वाई बिकॉज ये नेचर के द्वारा आपको मिल रही है और किसी भी चीज को बनाने के लिए जो पहली स्टेप होती है दैट इज लैंड याद रखिएगा इंपॉर्टेंट really तो ये चीज समझ में आ गई लैंड एज अ फैक्टर क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसके रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो कहां से मिलेगा जो आपको मिलेगा लैंड से लैंड के अंदर अगेन मैं बार बार चीज बोल रहा हूं कि केवल इसके अंदर जमीन नहीं आती है जमीन नहीं आती है समझिए इस चीज को समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बारे में समझिएगा इस बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है दैट इज लेबर लेबर का मतलब क्या होता है क्या होता है लेबर का मतलब कोई बताएगा मजदूर लेबर का मतलब होता है मजदूर हम यही जानते हैं कि लेबर का मतलब सब होता है मजदूर होता है और इसका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो दूसरा फैक्टर है दैट इज लेबर अब समझ चलिए पहले मैं बताता हूं कि लेबर इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों माना जाता है आप मुझे बताइए कि

बात है ना अब मुझे कार बनानी एग्जाम्पल की बात करते हैं मुझे कार बनानी मुझे पता है कि कार बनाने के लिए मुझे लोहे की आयरन की जरूरत पड़ेगी आयरन मुझे मिल गया कि भैया ये जो माइन है इस माइन के अंदर मुझे आयरन आयरन मिल रहा है ये मुझे पता लग गया उस को निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत है लेबर की जरूरत है चलो आयरन को निकालने के बाद फैक्ट्री के अंदर आयरन से कार बनाने के लिए किसकी जरूरत है लेबर की जरूरत है टायर के लिए टायर कहां से बन रहा था वो पेड़ था रबर का रबर के पेड़ से रबर निकाला उसके बाद रबर से टायर बन जाएगा रबर के पेड़ से रबर निकाल के टायर बनाने के लिए भी मुझे किसकी जरूरत है लेबर की जरूरत है याद रखना इसलिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी होती है लेबर लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो याद रखिएगा इट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एफर्ट्स सुनिएगा सारे ह्यूमन एफर्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं जो कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है सारे ह्यूमन एफर्ट्स अब कुछ ह्यूमन एफर्ट्स कैसे होते हैं

मान लीजिए वो जो कार की फैक्ट्री है जहां पर ये बनने वाला है ये जो अपनी कार बनाई जा रही है कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल निकालने के लिए फिजिकल लेबर लगा अब उस कार की फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे अकाउंटेंट भी होंगे जो कार कितनी बिक रही है कितनी जा रही है क्या सारी चीजें हो रही है उसकी अकाउंटिंग करते होंगे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बैठ के केवल मॉनिटर करते हैं कि भैया क्या किया जा रहा है किस तरीके से प्रोडक्शन चल रहा है कई लोग ऐसे भी होंगे जो बैठ के मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं उनका लेबर कौन सा उनका मेंटल लेबर है उनका मेंटल लेबर है याद रखिएगा लेबर दो तरीके का होता है एक फिजिकल होता है एक मेंटल लेबर होता है फिजिकल लेबर में आप अपने शरीर का ज्यादा यूज करते हैं मेंटल लेबर के अंदर आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस का आप यूज करते हैं ये होता है मेंटल लेबर तो याद रखिएगा लेबर भी दो तरीके का होता है और लेबर दो तरीके का जब होता है तो इसमें एक होता है मेंटल लेबर एक होता है फिजिकल लेबर तो याद रखिएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो दूसरा फैक्टर है विच इज रियली इंपॉर्टेंट दैट इज लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लियर है समझ में आ गया चलिए आगे अगर अपन बात करें उसके बाद तीसरा जो फैक्टर दैट इज कैपिटल कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चलिए कैपिटल क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जनरली जब मैं बच्चों से बात करता हूं पहली बार जो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है जब भी उसे कहा जाए कैपिटल तो कैपिटल सुनते ही उसके दिमाग में आता है करेंसी पैसा रोकड़ा उसके दिमाग में आता है कैपिटल का मतलब केवल ये नहीं होता कैपिटल का मतलब केवल पैसा नहीं होता है इस बात को ध्यान रखिएगा कैपिटल का मतलब एसेट होती है आपकी इसमें पैसा भी आता है कैपिटल का मतलब वो सारी चीजें हैं जो किसी चीज को बनाने में यूज की जा रही है जिसमें मनी भी आती है जैसे एग्जाम्पल की बात करें कैपिटल के अंदर आपकी फैक्ट्री भी आती है कैपिटल के अंदर अगर मैं सीधी सी बात करूं तो कैपिटल को आप बहुत लेमन लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब होता है आपकी संपत्ति ये मान के चलिए कैपिटल के अंदर वो सारे के सारे टूल्स भी आते हैं जिसके द्वारा उस चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है कैपिटल के अंदर आपके व्हीकल्स भी आते हैं जो किसी चीज को प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं कैपिटल के अंदर वो मशीन भी आती है जिसके द्वारा किसी चीज को बिल्ड किया जा रहा है और कैपिटल के अंदर आपकी मनी भी आती है पैसा भी आता है तो याद रखिएगा कैपिटल का मतलब केवल पैसा नहीं होता है कैपिटल का मतलब वो सारी चीजें होती हैं वो सारी संपत्तियां होती है जो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल की बात करते हैं वही कार की बात करते हैं सबसे पहला काम लैंड से हमको क्या मिला रॉ मटेरियल मिल गया रॉ मटेरियल के लिए हमने क्या करा उस कार के लिए हमने जमीन से लोहा वोहा निकाल लिया लेबर के द्वारा हमने क्या करा लोहा बाहर निकलवाया और लेबर के द्वारा उस लोहे से हम क्या बनवाएंगे कार बनवाएंगे अब सीधी सी बात है कार बनाने के लिए

ऐसे रिसोर्सेज जो इंसान के द्वारा बनाए गए फैक्ट्री टूल किसने इंसान ने बनाए जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो याद रखिएगा दिस इज नोन एज कैपिटल और ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है याद रखिएगा कि कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कैपिटल के बिना कैपिटल के बिना आप किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते कैपिटल क्या होती है कैपिटल भी दो तरह की होती है जैसे हमने देखा था ना कि लेबर भी दो तरीके का था एक फिजिकल एक मेंटल था उसी तरीके से कैपिटल भी दो तरह की होती है ध्यान से सुनिएगा तो कैपिटल दो तरह की होती है एक होती है आपकी फिक्स्ड 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 कैपिटल 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 का मतलब क्या होता है की ऐसा पैसा जो आपने प्रोडक्शन में केवल एक बार लगा दिया अब आपको बार बार पैसा नहीं लगाना फॉर एग्जाम्पल आपकी खुद की फैक्ट्री थी आपने फैक्ट्री के लिए क्या खरीद ली आपने फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद ली आपने फैक्ट्री के लिए मशीन खरीद लिए एक ही बार में पैसा लगाया मशीन्स खरीद लिए आपने फैक्ट्री के लिए क्या करा आपने फैक्ट्री के लिए कई सारे टूल्स एक बार में खरीद लिए ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल होगी आपने फैक्ट्री के लिए एक व्हीकल खरीद लिया कार खरीद ली ये आपके फिक्स्ड कैपिटल से मतलब आपको केवल एक बार इसको लगाना था और आपने लगा दिया दूसरी होती है आपकी वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए इस प्रोडक्शन को चलाने के लिए आपको जो लगातार पैसा लगाते रहना पड़ रहा है जैसे एग्जाम्पल की बात करें आप बार बार रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगाते हो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार रॉ मटेरियल खरीद लिया आप जीवन भर की छुट्टी जो बार बार आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगा रहे हो इसके अलावा अगर आपकी फैक्ट्री रेंट से है तो आप फैक्ट्री का रेंट देते हो ये भी क्या है ये भी आपकी वर्किंग कैपिटल है ताकि आपकी फैक्ट्री चलती रहे इसे भी क्या कहा जाता है इसे भी कहा जाएगा वर्किंग कैपिटल ताकि आपकी फैक्ट्री क्या है वर्किंग कंडीशन के अंदर चलती रहे एग्जाम्पल की बात करें अच्छा मुझे एक बात बताओ सैलरी कौन सी कैपिटल में आएगी फिक्सड या वर्किंग सैलरी किस में आती है सैलरी किस में आती है ऑब्वियसली सैलरी इज ऑल्सो द वर्किंग कैपिटल बिकॉज अगर आप सैलरी नहीं दोगे आपको हर महीने सैलरी बांटनी है ऐसा थोड़ी ना था कि आपने एक बार में सैलरी दे दी सबको कि भैया ये अब आप सब जितने भी लोग हैं जीवन भर की सैलरी याद रखिएगा आपकी जो सैलरी होती है दिस इज ऑल्सो द वर्किंग कैपिटल क्लियर है आ गया समझ में हाँ तो एक बच्चे का सवाल था तो सर रेंट किस में आता है देखिए सब्र रखिएगा सारी चीजें मैं समझाऊंगा धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएगी यू हैव टू बी पेशेंस अपने दायरे को अपने पास रखिए डायरे के साथ समझो तो चीजें क्लियर हो जाएगी और अधीर होकर समझोगे कि नहीं नहीं मुझे तो जल्दी जल्दी बता दो तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी क्लियर है समझ में आ गया डिपेंड करता है जॉब पे अच्छा ऐसा कौन सा जॉब है एक बच्चा बोल रहा है सर डिपेंड करता है जॉब पे अच्छा मुझे एक बात बताओ ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें तुमको एक साथ सारी सैलरी दे देते हैं ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें आपको सारी सैलरी एक साथ दे देते हैं कि जब तक आप काम कर रहे हो आपकी सारी सैलरी इट इज नॉट द फिक्स कैपिटल सैलरी फिक्स कैपिटल हो ही नहीं सकती कभी भी नहीं हो सकती समझिएगा तभी तो वो सैलरी है वेदेस का मतलब क्या होता है वेदेश का मतलब होता है कि आपके काम के बदले जो आपको पैसा दे रहे हैं समझिए देखिए कॉन्सेप्ट लगाइए दिमाग लगाइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कीजिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर इम्प्रैक्टिकल बात मत करना कभी भी है ना क्या होता है कि अपने देखो एक चीज में बताता हूँ मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आप सीडीएस की पूरी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की बात कर लो जो बच्चा ज्यादा समझदार बनता है ना उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद ये बात बोल रहा हूँ जो बच्चा ज्यादा समझदार बनता है चार ऑप्शन आ गए पता ही आंसर सही है तो दिमाग लगा है कि नहीं इसमें तो मैंने ये पढ़ा था कहीं से इसने तो ये नहीं ये पढ़ा था उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता जो बच्चे सीधे साधे होते हैं सीधे साधे इन द सेंस कि जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा समझा गुरु की बात पे भरोसा करा और आंसर लगा के आ गए वो बच्चे एग्जाम में पहली बार में क्लियर कर जाते हैं हमेशा याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा ये चीज बहुत छोटी सी है बट समझिएगा इस चीज को अपना इंट्रोस्पेक्शन करो कि अगर मैं दो बार फेल हुआ तो क्यों हुआ इसीलिए हुआ ना मुझे पता था पहली बार में दिमाग में आ गया था कि ये आंसर सही है ये ऑप्शन सही है बट मैंने थोड़ा सा और सोचा उसके बारे में मैंने चार पांच और कहीं से सुना फिर मैंने अपने बारे में सोचा कि मुझे तो ये लगता है और फिर मैंने गलत आंसर लगा दिया होता है बच्चा ये चीजें होती हैं तो आप इससे दूर रहिए इसके करीब मत जाइए समझो इस चीज़ को मैं डांट नहीं रहा हूं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक है ना आपको गड़बड़ कर देगी चलिए आगे बात करें हाँ फर्म के लिए तो सैलरी एक्सपेंसेस हुए ना तो सैलरी एक्सपेंसेस हुए इसलिए तो बुढ़ा जा रहा बेटा वर्किंग कैपिटल है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ऐसा पैसा जो काम चलाने के लिए जरूरी है अगर फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुए तो उसका फायदा भी तो फर्म को मिल रहा है बिना खर्चे के प्रॉफिट हो रहा है क्या फर्म को बिना सैलरी के प्रॉफिट हो जाएगा होगा नहीं होगा समझिए समझिए फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तब होगा जब सैलरी देगी एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देगी तो फर्म बंद है क्या मतलब है फिर एक्सपेंसेस तो करना पड़ेंगे आपको चलिए आगे बात करें नेक्स्ट चीज देखिए अगेन मैं बात कर रहा हूं देखिए कुछ चीजें मैं पहले ही समझा दूं कि आप सी एस सी एस के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप सीएससीएस के लिए नहीं पढ़ रहे हो इस बात को अपने दिमाग में रखो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वी आर प्रिपेरिंग द बेसिक इकोनॉमिक्स वी आर नॉट स्टडिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स आप ये जो चीज बोल रहे हो ना किस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीजें अनमोल समझो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है अपने को अपने को अपने मैक्रो पढ़ना है समझो इस चीज को आप सी एस सी ए के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप सी डी एस के लिए पढ़ लो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो आपने जो कक्षा ग्यारहवीं बारहवीं बी कॉम के अंदर आपके एम कॉम के अंदर जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसका कोई महत्व नहीं है पे बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं उसका कोई लिटरली महत्व नहीं है समझिए इस चीज को वो आप अगर सी एस सी एस करते आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते तो उसमें वो आपके काम आता यहाँ पर वो काम नहीं आएगा समझ रहे हैं हाँ चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नेक्स्ट आपका होता है इंटरप्रेनोरशिप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंटरप्रनोर का मतलब क्या होता है इंटरप्रेनोर का मतलब होता है उद्यमी देखिए ये माना जाता है कि उद्यमी वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में आइडिया जनरेट होता है कहा जाता है कि अगर ये तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो आपके पास लैंड है आपके पास कैपिटल है समझिएगा आपके पास लैंड है आपके पास कैपिटल है आपके पास यहाँ पर लेबर है बट अगर आपके पास इंटरप्रेनोर नहीं है तो इन तीनों चीजों का कोई मतलब नहीं इंटरप्रिन वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में उस चीज को प्रोड्यूस करने का आइडिया जनरेट होता है और वो ये साहस करता है कि वो रिस्क ले वो पैसा लगाए और इस चीज को प्रोड्यूस करे फॉर एग्जाम्पल की बात करें किसी के दिमाग में ये चीज जनरेट हुई होगी कि इस तरीके का स्मार्ट बोर्ड बनाया जा सकता है अब जिसके दिमाग में जनरेट हुई जिसने रिस्क लिया जिसने फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री खोलने के बाद इस स्मार्ट बोर्ड को बनाया वो कौन है वो है वो उद्यमी है समझिए वो क्या है वो उद्यमी है वो व्यक्ति उद्यमी होता है जो व्यक्ति इन तीनों चीजों का यूज करके अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट ओके <coughs> चलिए तो याद रखिएगा इंटरप्र वो व्यक्ति होता है जो कि इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है, जो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे आपके लैंड लेबर और कैपिटल इन तीनों का यूज करके किसी नई चीज को प्रोड्यूस करता है इंटरप्रिन वो व्यक्ति होता है जो अपना दिमाग लगा के जो रिस्क लेता है और उस चीज को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है याद रखिएगा वो कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है बट वो रिस्क ले रहा है और इंटरप्रोर इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ के नई चीज को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है उद्यमी कहा जाता है समझिएगा वो लैंड का यूज करता है लेबर का यूज करता है कैपिटल का यूज करता है इन तीनों का यूज करके वो किसी चीज को प्रोड्यूस करता है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ध्यान से सुनिएगा अब एग्जाम्पल की बात की जाए कि ये किसी के दिमाग में आया होगा कि एक ऐसा फोन हम बनाते हैं है ना के अंदर बिना कीबोर्ड वो फोन होगा और टच करके उस फोन को आप चला सकते हैं जैसे कि आज हम लोग टच स्क्रीन के नाम से इस फोन को जानते हैं अब मुझे बताइए इस फोन को बनाने के लिए लैंड की जरूरत भी होगी बिल्कुल रॉ मटेरियल लैंड से मिला होगा इस फोन को बनाने के लिए लेबर की जरूरत भी होगी ठीक है लेबर ही बनाएंगे इस फोन को इस फोन को बनाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी बट मुझे एक बात बताइए ध्यान से सुनिए तो रियली इंपॉर्टेंट ऐसी कोई चीज होगी जो कि स्क्रीन से ही ऑपरेट हो जाएगी ऐसी कोई चीज होगी उस चीज को बनाने के लिए रिस्क किसने लिया उस चीज को बनाने का रिस्क किसने लिया उसका रिस्क लिया एक एंटरप्रनोर ने एक उद्यमी ने जिसके दिमाग में आइडिया आया कि ये चीज करनी चाहिए उसने ये करी उसने रिस्क लिया और इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उपयोग करके इनको मैनेज करके उसने इस नई चीज को प्रोड्यूस कर दिया आई बात समझ में दैट्स वाई माना जाता है कि इंटरप्रिन जो है उसके बिना ये तीनों चीजें अधूरी है बिकॉज इन तीनों चीजों को कैसे यूज करना है और कैसे यूज करके परफेक्ट चीज प्रोड्यूस करनी है ये इंटरप्रिन को पता है तो ये याद रखिएगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रेनोर अच्छा अभी मेरा सवाल आपसे है आप सोचिएगा इसके बारे में या चाहे तो अभी बता सकते हैं मैं आपको आंसर इसका बताता हूं कि आपने इस पूरी चेन में से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार चीजों के ऊपर टिका है लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रेनोर आपने अगर किसी एक को भी हटा दिया ना तो आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे ना तो आप गुड्स को कर पाओगे ना आप किसी सर्विसेस को कर पाओगे ये कहा जाता है क्या बात सच है आ जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चार चीजें हैं और किसी भी प्रोड्यूस करने के लिए इन चारों फैक्टर्स का होना जरूरी है अगर एक को भी आपने हटा दिया ध्यान से सुनिएगा अगर एक को भी आपने हटा दिया आपने लैंड को हटा दिया आपने कैपिटल को हटा दिया आपने लेबर को हटा दिया आपने को हटा दिया चीज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी इज इट ट्रू यह सच है अच्छा क्या के केस में सच है ये चीज गुड्स के केस में सच है ये मैं मानता हूं कि गुड्स के केस में सच है बट क्या सर्विसेज के केस में सच है यस या नो का आंसर अभी मुझे बताना और सोचना इसके बारे में कि यह चीज सच है या गलत है अब आप बोलोगे सर आप तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को चुनौती दे रहे हो मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं इकोनॉमिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को आप खुद सोचिएगा इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा जी क्या लैंड के केस में तो ये सही था सर्विस केस में ये ट्रू है बताइए सर्विसेस में नो सर्विसेस में ट्रू नहीं है अच्छा देखिए जो बच्चे समझते हैं कि सर्विसेस केस में ट्रू नहीं है उनके पास इसका एक सॉलिड रीजन जरूर होना चाहिए ठीक है बिना रीजन के बात नहीं करना है सर्विसेस केस में ट्रू है तो क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है याद रखिएगा इस बारे में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जिन मशीनरीज का यूज किया जा रहा है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जिन मशीनरीज का यूज किया जा रहा है जो सारी चीजें की जा रही है वो कहीं ना कहीं लैंड से मिली है आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसके उस सर्विसेज को मैनेज करने के लिए भी कहीं ना कहीं लेबर लगा है आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए कहीं ना कहीं कैपिटल भी है और आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए भी दिमाग किसी ना किसी इंटरप्रिन ने लगाया था ये बात तो सच आप मानते हो ना फिर आप कैसे कह सकते हो कि नहीं सर ये चीज सर्विसेज के केस में सही नहीं है सोचिएगा इस बारे में मैं किसी को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं पर इस बारे में सोचिएगा अपना दिमाग लगाना एक बार इस बारे में चलिए ठीक है अब

कहते हैं कि एनसीआरटी की सर कौन सी किताब ले गो फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक्स जो आपके एनसीआर की मिलती है ओके okay? तो एनसीआर की जो बुक्स होगी आप उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब लीजिए और आप इसको समझ जाएंगे या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं अब देखिए दो ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें आप किसी सिंगल एंटिटी के बारे में स्टडी करते हैं वो सिंगल कोई कंपनी भी हो सकती है किसी एक कंपनी के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं या आप किसी हाउस होल्ड की इनकम के बारे में स्टडी करते हैं किसी घर की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं किसी घर के अंदर जो मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने घर की मैं बात कर रहा हूं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे घर की इकोनॉमिकल कंडीशन की अगर स्टडी करनी होगी तो वो किस में आएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा कैसे मेरी सैलरी आ रही है मेरी सैलरी से कितनी ई जा रही है मैं कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं क्या परचेस कर रहा हूं देखिए क्या चल रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ मनी यहाँ पे चलता जा रहा है इसको थोड़ा सा के अंदर अब आप सबने सीरियल तो देखा ही होगा। जेठा, जेठा, जेठा लाल की बहुत बड़ी दुकान है भैया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप देखो जब अपन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे कैसे कितना माल आया इसमें कितना माल गया इस महीने जेठालाल को प्रॉफिट हुआ इस महीने लॉस हुआ तो बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम एक सिंगल एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम एक सिंगल शॉप के बारे में बात कर रहे हैं या एक सिंगल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं सेम चीज अगर मैं रिलायंस की स्टडी कर रहा हूं रिलायंस में कितना पैसा आया रिलायंस में कितना पैसा गया रिलायंस के अंदर इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ कितने एम्प्लॉयज को हायर करा कितने को निकाला कंपनी का रेशो बिजनेस का कैसा जा रहा है ये क्या है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये आपको नहीं पढ़ना है ये पढ़ने के लिए आपको सिखाया जाता है कि इसमें तौर के ऊपर हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना ठीक है कॉल है? अच्छा, आ गया ना इसलिए टेंशन में चले गए सुंदर जी आए होंगे सुंदर ने वही जीजा जी पांच सौ मोबाइल दे दो पेमेंट बाद में करता हूं तो बस वही बात बोली और जेठालाल जी गुस्सा हो गए हमें जो चीज पढ़नी है हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ते हैं आप इकोनॉमी को एज ए होल ट्रीट करते हैं आप पूरी देश की इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं ब्रॉड थ्योरीज को पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं हम जीडीपी के बारे में पढ़े इन्फ्लेशन महंगाई के बारे में पढ़ेंगे अनइंप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं रिलीफ मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम जब क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं ये सारे के सारी चीजें किसके अंदर आती है ये आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर के अंदर आप इमी को एज होल ट्रीट करते हैं ध्यान से सुनिएगा और इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े आप किसके इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंट्री की इकोनॉमी को फ्लोरिश करने के लिए या डिमिनिश करने के लिए जो मेजर फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं इकोनॉमी की कई मेजर थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिसका इंपैक्ट किसी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन पर पड़ता है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन्फ्लेशन ये बेसिकली क्या है जीडीपी बैंकिंग ये किसके अंदर आता है ये आता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो याद रखिएगा आप को जो पढ़ाई करनी है आपको माइक्रो के नहीं करनी माइक्रो के अंदर तो आपको इंडिविजुअल के बारे में आप स्टडी करते हैं उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में हाउस होल्ड के बारे में किसी फर्म के बारे में ना ये आपको नहीं पढ़नी ये सीएससीएस के लिए पढ़ाई जाती है आपको आपको यहां पर क्या पढ़ना है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है पूरे देश की नेशनल इनकम के बारे में आप बात करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की आप बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया के इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं ये किसके अंदर आता है ये आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्लियर है तो समझिएगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी हो आपका ग्रेजुएशन अगर कॉमर्स से हुआ है तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा इसमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो यहाँ पर जो पीसीएम वाला बच्चा है वो भी इसी लेवल के ऊपर है आप भी इसी लेवल के ऊपर हो कहीं ना कहीं हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वहां पर बट यहाँ पर आने के बाद लगभग सभी बराबर हो जाते हैं ये अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ नहीं है अच्छी चीज है क्यों क्योंकि क्या होता है कि सब बराबर हो बराबर तरीके से पढ़े कोई ऐसा ना हो कि मेरे पास एडवांटेज है सारी चीजें तो याद रखिएगा आप किसके बारे में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्लियर है समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं कुछ कंट्रीज के इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में देखिए दुनिया के अंदर कई सारी कंट्रीज है अमेरिका की हम बात करें ब्रिटेन की बात करें रशिया की बात करें बहुत सारी कंट्रीज और उन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो अलग अलग तरह की इकोनॉमी है कुछ कंट्रीज के अंदर कैपिटलिस्ट इनॉमी है कुछ कंट्रीज के अंदर मिक्सड इकनॉमी है कुछ कंट्रीज के अंदर सोशलिस्ट इकनॉमी थी कुछ कंट्रीज के अंदर आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमीज थी अभी इकोनॉमिक्स क्या होती है हम टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे अगेन इकोनॉमिक्स में नहीं बोल सकता इकोनॉमिक्स क्यों नहीं बोल सकता बिकॉज इकोनॉमिक्स तो थ्योरिटिकल पार्ट है जब उन सारे के सारे थ्योरीज को हमने अप्लाई कर दिया किसी कंट्री के मनी मार्केट के अंदर किसी कंट्री के मार्केट के अंदर अप्लाई कर दिया फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अप्लाई कर दिया तो वो उस कंट्री की क्या बन जाती है इकोनॉमी बन जाती है आज के शब्दों में सामान्य भाषा में जब मैं किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करता हूं इसका सीधा मतलब होता है कि उस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन उस कंट्री की आर्थिक कंडीशन कैसे है उस कंट्री के आर्थिक हालात कैसे हैं किसी भी कंट्री के आर्थिक हालात बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं वहां पर इंप्लॉयमेंट लेवल कितना है उस कंट्री की जीडीपी कितनी है उनकी एनएनपी कितनी उनकी एनडीपी कितनी है वहां पर पॉवर्टी कितनी वहां पर इन्फ्लेशन कितना है कई सारे बातों के ऊपर निर्भर करता है ये पता होगा आपको अब उन्ही चीजों को लेकर जो टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है जो उनका नेचर है उस नेचर को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की इकोनॉमीज रही हैं और कई तरह की इकोनॉमी अभी है भी जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम मेजरली चार टाइप की इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे अभी पहली आपकी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दूसरी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी तीसरी आपकी मिक्स इकोनॉमी और चौथी आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी अच्छा मुझे बताइए पूरी दुनिया के अंदर इन चार तरह की इकोनॉमीज में से सबसे पहली इकोनॉमी कौन सी आई थी बताइए पूरी दुनिया के अंदर इन चार तरह की इकोनॉमीज में से कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ट्रेडिशनल इनमें से पहली इकोनॉमी कौन सी आई होगी आपके हिसाब से बताइए चार तरह की इकोनॉमीज के बारे में हमने बात करी बट आपके हिसाब से पहली इकोनॉमी कौन सी आई होगी पूरी दुनिया के अंदर ये चार तो आप देख रहे हैं पहली कौन सी थी तो उसी इस बारे में बात करेंगे हम इसके बारे में बच्चे अभी क्लियर है मेरी वॉइस हां जी मैं आपसे कह रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो पहली इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं इट वॉज ट्रेडिशनल इकोनॉमी ट्रेडिशनल क्यों कहा जाता है ट्रेडिशनल नाम से क्लियर हो रहा है जो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चल रही है इस तरह की इकोनॉमी के अंदर मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पर किसका यूज किया जाता है यहाँ पर यूज किया जाता है बार्टर सिस्टम का आप देखो ना ऐसी इकोनॉमी जहां पर मनी का यूज ही नहीं कर रहे करेंसी का यूज नहीं कर रहे नॉट द मनी मनी तो आप कह सकते हैं बट करेंसी का यूज नहीं किया जाता ऐसी इकोनॉमी जिसमें करेंसी का यूज नहीं किया जा रहा है बार्टर सिस्टम चल रहा है इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखिएगा दे बिलीव ओनली इन प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स नो मार्केट सरप्लस इस तरह की इकोनॉमी के अंदर ये लोग केवल अपनी जरूरत के लिए प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस नहीं करते फॉर एग्जाम्पल बात करें कोई गांव है उस गांव में पंद्रह घर है पंद्रह घर में पंद्रह के पंद्रह जो घर हैं उनके सारे के सारे लोग खेती करते हैं कोई भैया गेहूं की खेती कर रहा है कोई चावल की कर रहा है कोई बागान की खेती कर रहा है मार्केट में ले जाके पंद्रह गांव के लोग या पंद्रह घरों के लोग कुछ भी बेचते नहीं है ये आपस में इसके साथ डील कर लेते हैं चीजों के साथ इसके बार्टर सिस्टम के तुमने मुझे गेहूं दिया मैं तुम्हें चना दे देता हूं ठीक है तुमने मुझे ये दिया मैं तुम्हें उसके बदले मछली दे देता हूं ये चीजें यहां पर चल रही है याद रखिएगा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंदर बार्टर सिस्टम प्रचलित था यहां पर चीजें उतनी ही प्रोड्यूस की जाती थी जितनी की जरूरत थी जितनी की नेसेसरी थी मार्केट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे चीजें बेची नहीं जा रही है केवल किसी लिए की जा रही है दौर पे थी। में ही चलता था मार्केट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा था नहीं शुरुआती तौर पर ये चीज चलती थी आज ये चीज नहीं चलती है आज के दौर पर अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर कई तरह की इकोनॉमीज आई है एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमी है जो टाइप जिस टाइप की इकोनॉमी है और लोग कहते हैं कि क्या भारत अमेरिका की देन है जी हाँ कैपिटलिज्म की, की बात करूं या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अमेरिका इसकी अमेरिका की देन है अमेरिका इस इकोनॉमी को लेकर इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और ये कहा जाता है कि आज भी अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही चलती है अब सवाल यह आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है बड़ा आसान सा इसका आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस तरह की इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल लगभग ना के बराबर होता है उस कंट्री के मार्केट को ध्यान से सुनिएगा उस कंट्री के मार्केट को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मान लीजिए कंट्री का मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट है कंट्री के अंदर क्या चीजें बिक रही है क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही है जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं जैसे कि लैंड लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रिन ये सारे के सारे किसी ना किसी कैपिटलिस्ट के कब्जे के अंदर होते हैं सीधी बात कर रहा हूं मैं इसका क्या मतलब है एक पॉइंट याद रखिएगा जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड लेबर कैपिटल की मैं बात करूं ये सारे के सारे कैपिटलिस्ट के कंट्रोल के अंदर होते हैं उस कंट्री के अंदर सरकार डिसाइड नहीं करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है कितना प्रोड्यूस करना है उसका प्राइस क्या होने वाला है ये सरकार डिसाइड नहीं कर रही जैसे अपनी कंट्री की बात करें हमारी कंट्री के अंदर एमआरपी का है 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 कि नहीं है बिल्कुल है हमारी कंट्री में एमआरपी का कॉन्सेप्ट है एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी से ज्यादा कोई बेच सकता है क्या नहीं बेच सकता बट जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की यहां पर एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं वहां पर एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है वहां पर किसी भी चीज का जो प्राइस है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है वो उसके मार्केट से डिटरमाइन किया जाता है मार्केट के अंदर उस चीज के डिमांड और सप्लाई से डिसाइड किया जाता है कि उस चीज का प्राइस कितना होगा मार्केट में कोई भी एक कहते हैं ना कि सेफ्टी वॉल्व वाली चीज नहीं होती है इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस आप बढ़ा दीजिए मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम है तो उसका प्राइस आप क्या कर दो कम कर दो दैट्स इट ये चीज चलती है वहां पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और एक पॉलिसी के बारे में मैंने बात करी थी जिस पॉलिसी को ध्यान से सुनिएगा पॉलिसी को एडम स्मिथ साहब ने बहुत ज्यादा एडवोकेट किया था कि हाँ भैया मैं इस पॉलिसी को मानता हूं वो पॉलिसी कौन सी थी ये देखिए कौन सी पॉलिसी फेयर पॉलिसी यहां पर यही तो हो रहा है कैपलेस इकोनॉमी के अंदर यही तो हो रहा है ये पॉलिसी क्या कहती है पॉलिसी ये कहती है कि सरकार का कम से कम इंटरवेंशन होगा मार्केट के अंदर सरकार ज्यादा दखल नहीं देगी सरकार दखल कैसे देती है आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी सरकार का मार्केट के अंदर कंट्रोल है, है कैसे कंट्रोल है सरकार लाइसेंस प्रोवाइड करती है एमआरपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है सरकार बताती है कि कौन से गुड्स आप नहीं बेच सकते सरकार ये भी बताती है कि इस गुड्स को आप कॉन्ट्रोबाइंड कर दिया जाएगा सरकार ये भी बताती है कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल इन तीनों के ऊपर भी सरकार का कंट्रोल होता है फॉर एग्जाम्पल की बात करें जमीन अगर आपको खरीदनी है तो सरकार से पूछना पड़ेगा परमिशन लेनी पड़ेगी आपने मजदूर रखे लेबर तो उनको मिनिमम वेजेस आपको देना पड़ेंगे ऐसा नहीं कि कितना भी काम करवा रहे हो और कम सैलरी दे रहे हो आप उसी तरीके से अगर मशीन खरीदने जाते हो मशीन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा पैसा चुकाना पड़ेगा सरकार के कुछ नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा सेफ्टी नॉर्म्स सरकार के अलग होते हैं मतलब सरकार एक एक्शन लेती है स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल करके रखती है बट इस तरह की इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का लगभग ना के बराबर कंट्रोल होता है याद रखिएगा क्या है नो डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं यहां पर चीजों के प्राइस किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं यहां पर चीजों के प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और इस डिमांड एंड सप्लाई को कहा जाता है इनविजिबल हैंड क्या कहा जाता है इनविजिबल हैंड एक ऐसा हाथ जो किसी चीज के प्राइस बढ़ा भी रहा है कम भी कर रहा है बट वो हाथ दिख नहीं रहा है बिकॉज वो हाथ किसका है वो हाथ है डिमांड और सप्लाई का क्लियर है अजय चौधरी सर, लेजिस फेर का बस यही एक मतलब है, नहीं हाँ, मतलब है वो केवल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनको आपसे मतलब नहीं है कि उस देश के लोग कितने सुखी हैं चीजें कम दामों पर मिल रही है ज्यादा दामों के ऊपर मिल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है एक ही चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव होता है यहां पे। यह पॉइंट याद रखिएगा द मेजर मोटिव इज प्रॉफिट क्लियर है याद रखिएगा यहां पर जो मेजर मोटिव होता है वो क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है क्लियर है समझ में आ गया क्लियर हो गया है चलिए जस्ट मिनट अभी क्लियर है क्लियर है ग्रेट यहां तक समझ में आ गया चलिए अब आगे बात करें एक पॉइंट याद रखिएगा इस तरह की इकोनॉमी के अंदर लोगों को केवल एक फायदा है वो फायदा क्या होता है इस तरह की इकोनॉमी के अंदर लोगों को एक फायदा होता है वो फायदा क्या है पता है हमारे पास ऑप्शन होते हैं चीज़ों को परचेस करने के बिकॉज क्या इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होगी जैसे आज के तारीख में अपन बात करें कि हमारे देश में गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं ई एस यूज भी होती हैं प्राइवेट कंपनीज भी है यहाँ पर इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती है और लोगों के पास ध्यान से सुनिएगा लोगों के पास अगेन मैं चीज़ बोल रहा हूँ लोगों के पास ऑप्शन होते हैं चीज़ों को परचेस करने के एग्जाम्पल की बात करें सारे कैपिटलिस्ट है अब जैसे मार्केट के अंदर में कार लेने गया बहुत सारी कार की कंपनीज हैं ध्यान से सुनिएगा बहुत सारी कार की कंपनी क्यों कंपनी बिकॉज यहां पर प्राइवेट ओनर्स या कह है सकते हैं कि प्राइवेट लोगों को कंपनी खोलने की इजाज़त है प्राइवेट लोग जो है अपनी हैं। जो है है अपनी अपनी खोलते हैं हैं कैपिटलिस्ट वो अलग अलग खोल के बैठे अब इसमें क्या होता है कि जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है किसी कार को परचेस करने के लिए तो क्या किया जाता है जितने भी लोग कार बेच रहे हैं ना वो अपनी क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करके रखेंगे बिकॉज डर होता है ना कि अगर हमने क्वालिटी अच्छी मेंटेन नहीं करी कार की तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमने अगर कार की क्वालिटी को गिरा दिया तो फिर ये हमारा जो कस्टमर है वो किसी और से कार परचेस कर लेगा तो एक पॉइंट याद रखिए कि एक फायदा इसके अंदर होता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं दूसरा आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है अब एक बच्चा बोल रहा है सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला आ, एक बच्चे ने किस चीज का बोला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज वेरी अन इक्वल देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज वेरी अनुअल का मतलब ये होता है आप ध्यान से सुनिएगा सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं प्राइस के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है ना लैंड के ऊपर है ना लेबर के ऊपर है ना कैपिटल के ऊपर है अब मुझे एक एक बात बताओ एक फैक्ट्री हैजदूरों को दस हजार रुपए तनखा दे रहा है एक फैक्ट्री वाला अपने मजदूरों को तीन हजार रुपए तनख्वाह दे रहा है मनी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या नहीं होगा क्यों बिकॉज सरकार का कंट्रोल नहीं है कोई लेबर लॉ यहां पर नहीं होते हैं इसलिए कहा जाता है कि यहां पर मनी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है किस फॉर्म में वेजेस के फॉर्म में अब प्रॉफिट के फॉर्म की बात करते हैं कोई कंपनी गलत प्रैक्टिस का यूज कर रही है और गलत प्रैक्टिस का यूज करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है एक कंपनी जो छोटी कंपनी है वो गलत प्रैक्टिस का यूज नहीं कर पा रही छोटी सी कंपनी है उसका प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है क्या हो रहा है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग अनइक्वल हो रहा है क्यों हो रहा है भैया सीधी सी बात है बिकॉज यहां पर मोनोपोली की संभावना बहुत ज्यादा होती है कैसे एक कंपनी है मान लो जूते की बहुत बड़ी कंपनी है अब उस जूते की बहुत बड़ी कंपनी ने सारी छोटी छोटी जूतों की कंपनियों को बंद करवा दिया कैसे करवा दिया अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करके अब क्या हुआ सारा का सारा पैसा उस जूते की कंपनी के पास चला गया सब उसी के शूज परचेस कर रहे हैं वो तो थोड़े टाइम तक लॉस बियर कर लेगी सस्ते दामों पे ले पर शूज लेके बट यहां पर जो छोटी छोटी कंपनी शूज बेच रही थी क्या वो लॉस बियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी डेट्स वाई कहा जाता है कि यहाँ पर जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है बहुत अनइक्वल होता है अभी क्लियर हो गया यहां तक क्लियर हो गया हम्म आई होप क्लियर हो गया होगा ऐसा क्यों कहा जाता है कि मनी का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर अनिकवल होता है हम्म ग्रेट चलिए नेक्स्ट आपकी जो इकोनॉमी होती है दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी याद रखिएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिज्म की टोटली उल्टा है सोशलिज्म ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और ये सांसेप्ट आपने देखा होगा कार्ल मार्क्स साहब ने बड़ा ये कॉन्सेप्ट दिया है और इस तरह की इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मार्क्स साहब ने दिया था उनकी किताब थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना कभी इस किताब को पढ़ना हालांकि बड़ी आपको अजीब लगेगी बिकॉज काल मार्क साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लिटरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जिस तरह की बात वो करते हैं पर फिर भी इस किताब के अंदर इस तरह की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन उन्होंने करा था अब एक सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी इस तरह की इकोनॉमी होती है जहां पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वहां पर केवल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मतलब सीधी सी अगर मैं बात करूँ तो कोई प्राइवेट फैक्ट्री ओपन नहीं कर सकता कोई तो प्राइवेट बिजनेस नहीं किया जा सकता है प्राइवेट बिजनेस अगर कोई कर भी रहा है ना तो सरकार के लिए कर रहा है सरकार के अंडर काम करता है हर कोई याद रखिएगा यहां पर प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसीलिए इस तरह की इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी कहा जाता है क्यों बिकॉज कंट्री की जो इकोनॉमी है कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है या कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है वो कमांड के ऊपर चल रही है सरकार के सरकार कमांड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है सरकार का पूरा कंट्रोल होता है यहां पर लोगों के पास प्राइवेट बिजनेस करने का ऑप्शन नहीं है अगर वो कर भी रहे अगर वो कर भी रहे हैं तो वो सरकार के लिए करते हैं वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते सरकार ही उनको पैसा देगी कि अच्छा तुम ये कर रहे हो इसका पैसा हम तुमको देते हैं अल्टीमेटली यहां पर ध्यान से सुनिएगा सरकार का जो गोल होता है वो क्या होता है किसी भी तरह की मोनोपोली को खत्म करना और पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर लोगों का भला अब देखिए कंट्री की इकोनॉमी सरकार चला रही तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है सीधी बात की जा रही है यहां पर पैसे के जिसके पास पैसा है वो व्यक्ति को भी चीज उतने की ही मिलेगी जिसके पास पैसा नहीं है पैसा कम है उसको भी चीज उतने की ही मिलेगी प्राइस चेंज नहीं होंगे यहां पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सरकार चाहती है कि लोगों का फला किया जाए तो याद रखिएगा यहां पर इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज सोशल वेलफेयर लोगों का भला करना यहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कभी भी इस तरह का नहीं होता है कि केवल जेब भरी जाए कैपिटलिस्ट अपनी जेब भर रहे हैं पैसा कमा लिया जाने यहां पर जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज ओनली सोशल वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव नॉट द प्रॉफिट याद रखिएगा यहां पर प्रॉफिट मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है और एक प्रॉपर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो प्राइसेस को डिटरमाइन करती है प्राइसेस को कंट्रोल करती है प्राइस बढ़ नहीं जाते प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी है जो प्राइस डिसाइड कर रही है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से प्राइस घट या बढ़ नहीं रहे दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग और याद रखिएगा सरकार का पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर ऑनरशिप के ऊपर अगेन वही चीज आपके जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उसके ऊपर पूरा पूरा का कंट्रोल किसका है सरकार का है आप ये नहीं कह सकते कि भैया सर मैं प्राइवेट कंपनी खोल लू और मैं इस चीज को बेचूं मैं प्रॉफिट कमाऊंगा नहीं सरकार आपको करने नहीं देगी बिकॉज कंट्री इज इन अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी तो ये पॉइंट याद रखिएगा दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग और इसमें एक बुरी बात है यहां पर कॉम्पिटिशन ही नहीं है कॉम्पिटिशन नहीं है तुम पेन लेने जाओगे वो पेन की कंपनी भी सरकारी है तो सरकार एक एक तरह तरह के पेन बना रही तुम कार लेने जाओगे सरकार एक तरह की कार बनाएगी एक ही कंपनी गवर्नमेंट की प्राइवेट ऑनरशिप है नहीं ना तो लोगों को यहाँ पर क्या नहीं मिलते ऑप्शंस नहीं मिलते ज्यादा कुछ फले हैं कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है लोगों के पास चॉइस नहीं होती है लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है कि ये इतने का मिला इतने का मिला लोगों के पास ये छूट नहीं होती कि वो किसी चीज को इतने पे परचेस कर सके इतने कम पे परचेस कर ले तो ये पॉइंट याद रखिएगा इस तरह की जो इकोनॉमीज होती इन्हें कहा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी क्लियर है समझ में आ गया हाँ जी आज के टाइम पर अगर, अगर अपन बात करें अपने देश की बात करें हमारे देश की बात करें हम इस चौथे इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी आपने इसके बारे में सुना होगा भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड नाम से क्लियर हो रहा है मिक्स इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं और पब्लिक कंपनीज भी होती सरकारी कंपनीज भी होती फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आज हमारे यहाँ पर एयरटेल भी एयरटेल क्या है प्राइवेट कंपनी आज हमारे यहाँ पर बी भी बी क्या है सरकारी कंपनी आज हमारे यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो कि पीएसयूज है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ओ की बात करूँ बेल की बात करूँ ये क्या ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इसके अलावा हमारे यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी है टाटा की मैं बात कर रहा हूँ अंबानीज की बात कर रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं ये वो सेम काम कर रहे हैं जो सरकारी कंपनी भी करती है मिक्सड इकोनॉमी का यही फायदा मिक्सड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती है दोनों के लिए मार्केट में जगह है पर इसमें क्या होता है सरकार कई जगह पर आगे भी है जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था मिक्सड इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल होता है एक लेवल तक फॉर एग्जाम्पल बात करें मुझे अगर आज कोई फैक्ट्री खोलनी है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी एमआरपी डिसाइड की जाएगी बट मुझे लिवरेज भी है मैं क्या प्रोड्यूस करूं कितना करूं ये सरकार नहीं बताएगी मुझे कि आप ऐसे प्रोड्यूस करो आप इतनी यूनिट प्रोड्यूस करो वो मैं मेरे को सरकार नहीं बताएगी मेरे पास ये अधिकार भी है कि मैं मेरी चीज का प्राइस कितना रखू सरकार भले हमारे डिसाइड कर देगी बट उसका प्राइस क्या होगा फाइनल प्राइस ये मैं डिसाइड कर सकता हूं तो याद रखिएगा मिक्स इकोनॉमी के अंदर यहां पर दोनों मिक्स चीजें होती है कुछ फायदे यहां पर है कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी है प्राइस कंट्रोल यहां पर रहता है तो लोगों के लिए क्या है भलाई का काम हो जाता है बट कई बार कुछ चीजों के प्राइस सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती और वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज क्या है कंपनी के पास अधिकार है कि वो अपना प्राइस डिसाइड कर ले सरकार लाइसेंस देती है सरकार जो है कंट्रोल किस तरीके से करती है कई तरह के लाइसेंस सरकार प्रोवाइड करती है कई बार लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद अगर कोई गलती करता है तो उनके ऊपर क्या करती है जुर्माना लगाती है सरकार कई बार जेल में भी डाल देती है जैसे हरदा के अंदर आपने देखा फटाखा बनाने का लाइसेंस उनके पास था बट वो लाइसेंस के खिलाफ जाके काम कर रहे थे बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई उसके अंदर इसलिए उनको क्या करा जेल के अंदर भी डाल दिया तो ये सारे काम भी सरकार कर सकती बिकॉज गवर्नमेंट का क्या है? पूरा का पूरा होल्ड होता है गवर्नमेंट का, का पूरा का पूरा कंट्रोल होता है इस पॉइंट को याद रखिएगा क्लियर है चलिए आगे बात करें इसमें कुछ और चीजें यहां पर है ध्यान से देखिएगा पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप बहुत होती है दोनों होती है एक सेंट्रल प्लानिंग कमेटी होती है मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो कंट्री के लिए इकोनॉमिकल प्लान करते जैसे हमारे देश में क्या है कंट्री का इकोनॉमिकल प्लान किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कई सारी चीजें फिजिकल पॉलिसीज निकाली जाती है फाइनेंशियल पॉलिसीज निकाली जाती है मॉनिटरी पॉलिसीज है हमारे यहाँ पर आरबीआई हमारे यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर है प्राइवेट कंपनीज भी अपनी अपनी पॉलिसीज निकालती है तो चीजें मिक्स यहाँ पर चलती है इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है किसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर मतलब सरकारी कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है और जो प्राइवेट कंपनीज है उस पर गवर्नमेंट का लिमिटेड कंट्रोल होता है लिमिटेड का मतलब क्या होता है याद रखना ये मत बोल देना कि प्राइवेट कंपनीज पे सरकार का कंट्रोल होता ही नहीं ऐसा नहीं होता सरकार का लिमिटेड कंट्रोल होता है ध्यान से सुनना सरकार का लिमिटेड कंट्रोल होता है लिमिटेड कैसे सरकार डिसाइड करेगी लाइसेंस किसको देना है मिनिमम लेबर एक्ट्स लागू होंगे उस कंपनी के ऊपर उस कंपनी के ऊपर कंट्री के गवर्नमेंट के सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो पूरा का पूरा लागू होगा सरकार कंट्रोल करेगी कंपनीज को तो याद रखिएगा ऐसा नहीं कि आपकी प्राइवेट कंपनी है भैया तो आप बिल्कुल फ्री हो गए आपके ऊपर सरकार का को कोई कंट्रोल ही नहीं ऐसा नहीं होता है सरकार का जो कंट्रोल है वो दोनों सेक्टर्स के ऊपर होता है क्लियर है टाइप ऑफ इकोनॉमिक क्लियर हो गई आपको यहां तक क्लियर हो गया है आगे बढ़े बिकॉज अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले विच इज रियली इंपॉर्टेंट यहां तक क्लियर है प्लीज कंफर्म कर दीजिए ओके चलिए ग्रेट ओके चलिए अब आज हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक है विच इज रियली इंपॉर्टेंट और इसके बारे में बात करना भी काफी जरूरी है और तो उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं फिर हम जाएंगे हमारे नेशनल इनकम के ऊपर अभी जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनिएगा ये इकोनॉमिक्स के ही कॉन्सेप्ट है और लगातार कई एग्जामिनेशन के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े बहुत इधर उधर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनडी एस्परेंट हितेश यादव मैंने तो, आपकी बात सुन ली बेटा देखिए समझिए क्या होता है कि हितेश मजा नहीं आएगा फिर ऐसे है ना समझिएगा क्या है आप एस्पिरेंट थे जब आप अपने आप को एनडीएस एक्सप्रेंट बोलते हैं तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर एंड यू हैव टू एक्ट लाइक एन कैडेट दोनों चीजें समझिएगा मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर बोलता हूँ कि रिएक्ट मत करो रिस्पॉन्ड करो रिएक्शन बहुत सिचुएशनरी होता है रिस्पॉन्स जब आप करते तो आप काफी सोच समझ के चीजों का रिस्पॉन्स करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे है ना मैंने आपकी बात सुन ली है बच्चा बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर पहले ध्यान दे देते हैं ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी अभी ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल कई सारे बच्चे ऐसे होंगे समझना बहुत जरूरी है, है, okay, के के है एक टर्म होता है क्लोज इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी क्या होता है आपने सुना होगा ऐसी दूसरी कंट्री के साथ व्यापार नहीं करती फॉर एग्जाम्पल बात करें एग्जाम्पल की बात करते नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया भैया अब नॉर्थ कोरिया का पहले की बात कर रहा हूं अभी तो चीजें चेंज कर दी नॉर्थ कोरिया ने ना नॉर्थ कोरिया दुनिया को कोई चीज एक्सपोर्ट करता था और ना ही दुनिया से किसी भी चीज को क्या करता है इंपोर्ट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं। जब आप किसी चीज को बना के दूसरी कंट्री के अंदर बेचते हैं बाहर बेचते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट जब आप बाहर की दुनिया की किसी चीज को अपनी कंट्री में मंगवाते हैं और उसका यूज करते हैं इसे कहा जाता है इंपोर्ट क्लोज इकोनॉमी के अंदर क्या होता है क्लोज इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीज होती है ना तो वो किसी कंट्री के साथ किसी चीज को एक्सपोर्ट करती है ना तो वो क्या करती इंपोर्ट करती है वो जितनी भी चीजें प्रोड्यूस कर रही है उसका उपयोग इंटरनली करती है अंदर ही अंदर उसका उपयोग कर रही है इस तरह की जो इकोनॉमीज होती है याद रखिएगा इस तरह की इकोनॉमीज को कहा जाता है क्लोज इकोनॉमी और भारत के अंदर क्लोज इकोनॉमी है क्या नहीं भारत की इकोनॉमी कैसी भारत की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी वी आर ओपन इकोनॉमी हम दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार करते हैं हम चीजों को इंपोर्ट भी करवाते हैं एक्सपोर्ट भी करवाते हैं तो भारत के अंदर याद रखिएगा इन इंडिया वी हैव द ओपन इकोनॉमी हमारे यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी नहीं है हमारे यहाँ पर नहीं क्लोज इकोनॉमी वो पहले किसी जमाने में बोला जाता था कि भारत की इकोनॉमी तो क्लोज इकोनॉमी है बट 1991 के अंदर जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वो पॉलिसी लेकर आए फिर अपनी पॉलिसी क्या होगी बहुत बढ़िया होगी तो आज भारत के अंदर भैया कोई भी क्लोज इकनॉमी की बात नहीं करता बिकॉज हमारी इकोनॉमी अब ओपन हो गई है तो ये पॉइंट याद रखिएगा ये देखिए दिस इज द क्लोज इकोनॉमी जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की जा रही है वो सारी की सारी उस कंट्री के अंदर यूज कर लेते हैं ना ये लोग इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ ना ये चीज क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्रीज में क्या है हमारी कंट्री के अंदर ओपन इकोमीमी याद रखिएगा ये ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है देखिए ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भैया पूरी तरीके से हम ट्रेड भी करते हैं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इसके अलावा हम अदर रिसोर्सेज के थ्रू भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें करते हैं चीजों को इंपोर्ट भी हम करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया जो है वो एक ओपन इकनॉमी है याद रखिएगा इंडिया क्लोज इकनॉमी नहीं है इसके अलावा ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में हमने बात कर ली है ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंदर मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था मनी मतलब कॉइन का कॉन्सेप्ट नहीं है करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसके अंदर क्या किया जाता है चीजों को बेचा और खरीदा जाता है ये आपकी होती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी बट इसके अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है बार्टर सिस्टम चल रहा है इसके बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं क्लासेस के अंदर नेक्स्ट एक पॉइंट के बारे में हम समझते हैं आपने शायद इसके बारे में सुना होगा कई कई बार कहीं शब्द बार बार आ रहा है अब मुझे बताइएगा कौन सी सरकार ने गिग इकोनॉमी के लिए कदम उठाया था गिग वर्कर्स को भी इंश्योरेंस दिया जाएगा सुना है इसके बारे में गिग इकोनॉमी गिग वर्कर्स इसके बारे में किसी ने सुना है नॉर्थ कोरिया ने बेटा व्यापार करना शुरू कर दिया बेटा ना अपन इसको क्लोज इकोनॉमी नहीं बोल सकते हर कंट्री के साथ वो व्यापार नहीं करता है बट कई कंट्रीज के साथ कर रहा है ही वेपन्स का कर रहा है बट हम ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं इसने आप कुछ करा नहीं है समझिएगा नहीं होती बेटा अजय क्लोज इकोनॉमी खराब है बच्चा क्लोज इकनॉमी में आपकी कंट्री खत्म हो जाएगी कुछ भी नहीं हो सकता आपकी कंट्री का बिकॉज क्या होता है ना कि आपकी इकोनॉमी क्लोज है तो आप क्या कर लोगे आपके पास ना कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी ना आपके पास ज़्यादा काम आएगा तो क्या होगा राजस्थान सरकार ने निकेत का आंसर बहुत बढ़िया है अशोक गहलोत साहब की जब सरकार थी राजस्थान में तब गिग वर्कर्स के लिए वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी और बहुत सारी चीजें लेकर आए थे गिग वर्कर्स होते क्या है गिग इकोनॉमी क्या होती है देखिए समझिएगा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका ये कंपनीज का नाम तो आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि आ, मिस्टर राज ब्लिंकिट किट की बात जोमेटो की बात की जाए अमेजोन की बात की जाए अब आप देखिएगा कि इन कंपनीज के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं दे आर फ्रीर आंसर जो तो फ्री होते हैं ना फ्री का मतलब क्या होता है एक फ्री का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो सबके लिए काम करता है एक फ्रीलांसर का मतलब ये भी होता है कि वो सबके लिए काम तो करता है बट एक ही सेक्टर के अंदर काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल की बात करें अब जोमेटो के अंदर अमेजोन के अंदर आप स्वेगी के अंदर देखिएगा जितने लोग काम करते हैं आपको जो डिलीवरी देने के लिए आते हैं चीज़ें आपने स्विगी से अपना ऑर्डर मंगवाया है आपको फूड डिलीवर करने के लिए भैया आ रहे हैं वो आपको फूड डिलीवर कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि क्या इनके पास किसी जॉब की गारंटी है नहीं इनके पास जॉब की गारंटी नहीं होती है। क्या स्विगी वाले भैया आपके जोमेटो के अंदर भी काम कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करने वाला आदमी अमेजॉन की डिलीवरी करता है हाँ करता है करते हैं कि नहीं करते इन लोगों के पास जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती बट इकोनॉमी के अंदर इनका एक बहुत बड़ा योगदान है आफ्टर कोविड आप देखिए कोविड के बाद ये ट्रेडिशन कितना ज्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद ये ट्रेडिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इस तरह की जो इकोनॉमीज होती है जो इस तरह के वर्कर्स के ऊपर चल रही है उस इकोनॉमी को कहा जाता है गिग इकोनॉमी समझिए काफी इंटरेस्टिंग है और इन वर्कर्स को कहा जाता है गिग वर्कर्स सेगमेंट ऑफ द सर्विस इकोनॉमी बेस्ड ऑन देखिए किस पे बेस्ड है फ्लेक्सिबल टेम्पररी एंड फ्रीलांस जॉब्स फ्लेक्सीबल जॉब वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है आप जोमेटो के अंदर काम करते जब डिलीवरी आएगी तब आपको डिलीवरी देने जाना है दूसरा टेम्प्री जॉब है आप फिक्स नहीं है आपको जोमेटो ने ऑन रोल नहीं रखा है कि आपको इस कंपनी में जॉब मिल गया कटेगा यह होगा कुछ नहीं होगा ऐसा पर आप काम कर रहे हैं तीसरा फ्रीलैंसर आप इसके अलावा किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी काम कर सकते हैं जैसा मैंने बताया फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करने वाला जो एजेंट है या अगर मैं बात करूं जो डिलीवरी बॉय है वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी डिलीवर कर रहा है बट याद रखिएगा उनके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है इनके पास फिक्स कोई भी सैलरी का माध्यम नहीं होता है कि फिक्स इतनी सैलरी मिलेगी वो कई बार कई कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है बट इकोनॉमी के अंदर इनका एक बहुत बड़ा योगदान है तो इनकी जो इकोनॉमी है इसे कहा जाता है गिग इकोनॉमी इसे गिग सेक्टर भी कहा जाता है और भारत के अंदर इनका जो रोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है आप देखिएगा लगातार भारत के अंदर इनका रोल बढ़ता जा रहा है गुड थिंग अच्छी बात है तो इस तरह की इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना थोड़ा जरूरी है चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर परचेसिंग पावर पैरिटी सुना होगा इसके बारे में अच्छा ये नहीं सुना तो ये मूवी का सीन तो सबको याद आ रहा होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये आई थिंक ये मूवी का नाम ही है ओके okay. यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋतिक रोशन साहब हैं यहाँ पर बॉबी देवल के भाई हैं अभय देवल नाम है इनका पराण अख्तर शायद नाम है ये मूवी याद होगी आपको अब इस मूवी का पिक्चर मैंने यहाँ पर क्यों लगाया इस कॉन्सेप्ट के लिए क्यों लगाया देखिए समझना बहुत ज़रूरी बिकॉज कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है परचेसिंग पावर पैरिटी परचेसिंग पावर पैरिटी परचेसिंग पावर का मतलब समझिएगा पहले उसके बाद पैरिटी का मतलब मैं समझाऊंगा परचेसिंग पावर का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की क्षमता एक आदमी की सैलरी एक लाख रुपया है एक आदमी की सैलरी पचास हजार रुपया है पर मंथ परचेसिंग पावर किसका ज्यादा है कौन ज्यादा चीजें खरीद सकता है कौन ज्यादा चीजें खरीद सकता है ऑब्वियसली जिसकी सैलरी एक लाख रुपया है वो ज्यादा चीजें परचेस करता है क्लियर हो गया परचेसिंग पावर समझ में आया परचेसिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की क्षमता इसी चीज की खरीदने की क्षमता को कहा जाता है परचेसिंग पावर क्लियर है अब जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसका परचेसिंग पावर भी ज्यादा होगा ये हम सब जानते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं देखिए अब आप सब जानते हैं इस मूवी के अंदर ये बताया जाता है कि हमारा जो ऋतिक रोशन साहब है जिसका नाम कबीर होता है इस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन यूके के अंदर काम करते हैं यूके के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं और अपना ये जो फरान साहब होते हैं फरान साहब भारत के अंदर इंडिया के अंदर शायद एक पोएट या एक लेखक होते हैं जो कई सारी चीजें करते हैं अब मान लेते हैं कि ऋतिक रोशन साहब की जो सैलरी है वो कितनी है मान लेते हैं कि वो यूएसए के अंदर काम करते हैं इनकी सैलरी है टेन थाउजेंड डॉलर्स पर मंथ कितनी है भाई साहब टेन थाउजेंड डॉलर पर मंथ है अपने जो फरान अख्तर साहब इनकी सैलरी कितनी इनकी सैलरी है भैया भारत के अंदर एक लाख ठीक है भारत के अंदर इनकी सैलरी कितनी एक लाख अब अगर मैं ऋतिक रोशन की सैलरी जो कि टेन थाउजेंड डॉलर पर मंथ है उसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो कितने लाख रुपए हो रही जरा बताना अगर आज मैं ऋतिक रोशन साहब की जो दस हजार की सैलरी है दस हजार डॉलर की सैलरी है याद रखिए गेट्स डॉलर डॉलर के अंदर है भैया और ये हमारे किसमें है रुपीज में कमा रहे हैं अगर इस डॉलर को मैं रुपीज के अंदर कन्वर्ट करूं ध्यान से सुनिएगा तो ये कितने रुपए कमा रहे हैं ऋतिक रोशन साहब लगभग लगभग कितना कमा रहे हैं ऑलमोस्ट कितना कमा रहे कोई बताएगा बिकॉज परचेसिंग पावर पैरिटी इसी के बारे में बात करेगा कि परचेसिंग पावर किसका ज्यादा है ऋतिक रोशन साहब का ज्यादा है या इन भाई साहब का ज्यादा है कितना कमा रहा है लगभग मान के चलते हैं आठ लाख रुपए लगभग आठ लाख इनकी लगभग अपन आठ लाख मान के चलते हैं अब देखिए अब हम दो बास्केट लेते हैं दो बास्केट लेते हैं किसके गुड्स एंड सर्विसेस के बास्केट का मतलब है कि क्या सारी चीजें अब एक लाख रुपए के अंदर मान लेते हैं कि जो फरान अख्तर साहब हैं एक लाख रुपए में से फरान अख्तर साहब क्या करते हैं बीस हजार रुपया इनका अपने फूड में जाता है ध्यान से सुनना ठीक है बीस हजार रुपया फरान अख्तर साहब क्या करते हैं रेंट देते हैं यहां पे ठीक है कितने हो गए चालीस हजार रुपए इसके अलावा फरान अख्तर साहब जो है वो दस बारह हजार रुपये क्या करते हैं अपने खुद के ऊपर खर्चा करते हैं या मान लेते हैं कि बीस हजार रुपए खर्चा करते हैं अपन ज्यादा ही लेते हैं कि बीस हजार रुपये फरहान अख्तर साहब अपने ऊपर खर्चा करते हैं और इनके एक्सपेंसेस हैं अब इस तरीके से इनके जो टोटल एक्सपेंसेस है वो कितने हो गए साठ हजार रुपए साठ हजार रुपए के अंदर फरहान अख्तर साहब अपना फूड भी ले, ले लेते हैं रेंट भी दे रहे हैं साठ हजार में और अपने ऊपर खर्चा भी करते जो थोड़े बहुत खर्चे होते कॉफी पीना चाय पीना डेट पे जाना जो भी करना है भाई साहब ये सब करते कितने में कर रहे हैं ये कर रहे हैं साठ हजार रुपए के अंदर साठ हजार रुपए के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं साठ हजार में इनका रेंट भी आ जाता है साठ हजार के अंदर भाई ये खाना पीना सब कर लेते हैं ग्रोसरी व्रॉसरी सब इनकी साठ के अंदर आती है अब ये कहां पर रहते हैं ये भाई साहब रहते हैं भारत के अंदर हमारा प्यारा देश भारत के अंदर अब ऋतिक रोशन साहब कहां पर रहते हैं भाई साहब रहते हैं यूएसए के अंदर अब सेम चीज अगर ऋतिक रोशन साहब यहां पर करें यूएसए के अंदर अपन कन्वर्ट करते हैं इसको इसमें डॉलर के अंदर अब ऋतिक रोशन साहब फूड के ऊपर नहीं नहीं करके कम से कम तीन हजार डॉलर खर्चा करेंगे करेंगे कि नहीं खर्चा तीन हजार डॉलर इनका फूड पे खर्चा होगा ठीक है इसके अलावा ऋतिक रोशन साहब जो है ध्यान से सुनना ऋतिक रोशन साहब जो रेंट दे रहे हैं कम से कम यहां पर पांच हजार डॉलर वो क्या देंगे रेंट देंगे कितना देर कम से कम पांच हजार डॉलर वो रेंट देंगे बेचारा जो बचा कुचा है दो हजार डॉलर दो हजार डॉलर वो किस पे खर्चा करेंगे खुद पे खर्चा करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस अब यहां देखो ये तीन चीजों को हासिल करने के लिए सेम तीन चीजें थी ऋतिक रोशन साहब को अपने आठ लाख इंडियन करेंसी के खर्चा करना पड़े और भाई साहब को जो भारत में रहते थे इतनी तीन चीजों को कर पाने के लिए खर्चा करने के लिए केवल साठ हजार खर्चा करना पड़े चालीस हजार इनके पास अभी भी बच गए अब मुझे बताओ इन दोनों में से परचेसिंग पावर किसकी ज्यादा रही परचेसिंग पावर किसके पास ज्यादा है बोलिए किसकी परचेसिंग पावर ज्यादा है आप देखिए परचेसिंग पावर यहां पर इन भाई साहब की ज्यादा है मराण अख्तर साहब की क्योंकि तो भारत के अंदर इन्होंने इतने कम पैसों के अंदर इन्होंने केवल एक लाख के अंदर भी बात करें तो केवल साठ हजार के अंदर अपने बास्केट में इन चीजों को इंक्लूड कर लिया इन तीन चीजों को और ये भाई साहब आठ लाख के अंदर इन तीन चीजों को अपने बास्केट के अंदर इंक्लूड कर पाए यहां पर आप देखिएगा जो परचेसिंग पावर है वो किसकी ज्यादा है देखने में सैलरी इन भाई साहब की ज्यादा लग रही थी कि इनकी सैलरी तो अरे आई अर्न टेन थाउजेंड डॉलर पर मंथ यहां पर रियलिटी के अंदर एक लाख रुपए के अंदर फरान अख्तर वो ज्यादा चीजें परचेस कर सकते हैं जो ऋतिक रोशन दस लाख के अंदर भी यूएसए के अंदर नहीं कर पाएंगे इसलिए परचेसिंग पावर किसकी ज्यादा है परचेसिंग पावर फरान अख्तर की ज्यादा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी कि हर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन अलग अलग होता है हर कंट्री के अंदर चीजों के प्राइस अलग अलग होते हैं हर कंट्री के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है उस समय पर अगर आप ये देखें कि जो नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए जो पैसा लगता है वो एक कंट्री में कम लगता है एक ज्यादा लगता है तो आप किस कंट्री में रह रहे हैं इससे ज्यादा फर्क फर्क पड़ता पड़ता है इससे कोई नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं आई बात समझ में ये ही कॉन्सेप्ट है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी का आप अगर जीडीपी के अंदर देखोगे तो भारत की जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी में नंबर वन पे गई है पता है किसी को परचेसिंग पावर पैरिटी में भारत की जीडीपी कई बार नंबर वन पे जा चुकी है बिकॉज परचेसिंग पावर पैरिटी ये बताता है कि किस कंट्री के अंदर आपकी किसी चीज को खरीदने की क्षमता कितनी है समझिएगा और यही कॉन्सेप्ट चलता है परचेसिंग पावर पैरिटी का पीपीपी समझ में आ गया क्लियर हो गया परचेसिंग पावर पैरिटी हाँ जी समझिएगा तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए पिक्चर में लेकर आ गया था अब हम आते हैं हमारे मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज द नेशनल इनकम नेशनल इनकम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है बहुत वेरियस एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को पूछा जाता है कई बार इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जीडीपी के बारे में बात करेंगे हम जीएनपी के बारे में बात करेंगे एनएनपी के बारे में बात करेंगे एनडीपी के बारे में बात करेंगे मतलब डिटेल के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले अब सबसे पहली बात आती है नेशनल इनकम क्या होता है नाम से क्लियर हो रहा है राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र की आय इसी का मतलब होता है राष्ट्रीय आय जी राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है अकेस okay, कल एफ का पेपर है ओके okay, बेटा चलो ध्यान से पेपर देना बेस्ट ऑफ लक ग्रेट ओके हां जी चलिए नेशनल इनकम की हम बात करते हैं नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री मीन द कंप्लीट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स याद रखिएगा एक एक शब्द का बहुत मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर द कंप्लीट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या होता है फाइनल गुड्स कोई बताएगा मुझे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एनी कंट्री ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर किसी कंट्री के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू मनी के अंदर उसे कहा जाता है उस कंट्री की नेशनल इनकम अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है पहला कॉन्सेप्ट आपका होता है फाइनल गुड्स का फाइनल गुड्स क्या होता है इसके अंदर आप रॉ मटेरियल काउंट नहीं करते फॉर एग्जाम्पल की बात करें आपने एक कार काउंट करी है आप नेशनल इनकम के अंदर कार की वैल्यू काउंट कर रहे हैं कार आती है आपकी आठ लाख रुपए की अब आप यह नहीं कर सकते कि कार जिस लोहे से बनी है कार के अंदर जो टायर लगे हैं उसकी वैल्यू अलग से काउंट कर रहे हो आप ये नहीं करोगे आप फाइनल गुड्स काउंट करते हो तो नेशनल के अंदर याद फाइनल की वैल्यू होती है। दूसरी चीज यहां पर बात की जा रही है कि एक साल के अंदर अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है गुड्स की जो वैल्यू होती है टोटल उसकी हम बात करते हैं सवाल यह आता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है कोई बताएगा भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है बताइए भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्या है अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला है हाँ, होने वाला है व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया भारत के अंदर कौन सा फाइनेंशियल ईयर है फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी मार्च या थर्टी मार्च टू फर्स्ट अप्रैलूजन होते फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी मार्च बिल्कुल सही बात है एक अप्रैल से लेकर लेकर इकतीस मार्च तक भारत के अंदर क्या चलता है भारत के अंदर चलता है फाइनेंशियल ईयर याद रखिएगा ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है आपका नॉर्मल ईयर अलग होता है आपका फाइनेंशियल ईयर अलग होता है तो आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं किसी कंट्री में याद रखिएगा किसी कंट्री के अंदर एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी मार्केट के अंदर जो मनी के अंदर फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम याद रखिएगा

इनकम अलग अलग तरह की कैसे होती है टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में हम बात करेंगे बट अभी के बारे में याद रखिएगा कि इसमें इस चारों तरह की इनकम्स को ऐड किया जाता है लीगल तरीके से इनकम चार तरह से ही हो सकती है बेटा याद रखना पहली इनकम कौन सी रेंट तुम्हारे घर का जो रेंट तुमको मिल रहा है वो लीगल इनकम है दूसरा इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है कैसे तुमने कोई शेयर खरीद के रखे हैं या मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके कर रखा है उसका इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है तीसरा प्रॉफिट प्रॉफिट किसको मिलेगा प्रॉफिट मिलता केवल इंटरप्रनोर को जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाता है और चौथा वेजेस जितने भी लोग सैलरीड होते हैं उन सबको वेजेस मिलता है तो ये पॉइंट याद रखिएगा ये चारों तरह की इनकम को जब आप मिला देते हो तो ये क्या बनती है आपकी नेशनल इनकम बनती है बट इसमें एक याद रखिएगा फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट याद रखना क्लियर है अब देखिए ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है एक बार आप देख लीजिएगा टोटल कंजम्पन एक्सपेंडिचर प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट एक्स माइनस एम इसको कहा जाता है है ना क्लासेस के अंदर हम डिटेल में इसके अंदर जाते हैं बट आप अभी से भी जानते हैं कि समय की थोड़ी सी कमी यहाँ पर है अब देखिए किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम जानना जरूरी क्यों है सबसे पहला बात तो यही आता है नेशनल इनकम क्या होती है हमने बात कर लिया कि नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब होता है किसी कंट्री के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस है उनकी मार्केट के अंदर जब आप मनी वैल्यू निकालते हैं पैसे के फॉर्म में वैल्यू निकालते हैं जो कि साल भर के अंदर प्रोड्यूस हुए प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मनी वैल्यू को आप क्या कहते हैं उसकी टोटल मनी वैल्यू को आप कंट्री की नेशनल इनकम कहते हैं अब नेशनल इनकम बेसिकली जरूरी क्यों है निकालना देखिए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखने के लिए कि कंट्री कितनी डेवलप हुई है कंट्री की इकोनॉमी कितनी बूस्ट हो रही है कंट्री लगिश तो नहीं हो रही है कंट्री की इकोनॉमी गिर तो नहीं रही है कंट्री आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने के लिए उस कंट्री की नेशनल इनकम को जानना बहुत जरूरी हो जाता है दैट्स वाय नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं जीडीपी के बारे में अपन बात करेंगे एनडीपी के बारे में बात करेंगे एनएनपी के बारे में बात करेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग है बट अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना भी जरूरी है कि नेशनल इनकम को जानने की शुरुआत किसने करी नेशनल इनकम भारत की जानना चाहिए नेशनल इनकम भारत की कैलकुलेट करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को हम समझ सके ताकि हम आगे का प्लान बना सके कि इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे कि नेशनल इनकम को जानने की शुरुआत सबसे पहले किसने करी यह जानना जरूरी है अब यहां से अगर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं टॉपिक आपका होता है हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम का अगर यहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं याद रखिएगा है ना जैसे एग्जांपल की बात करें सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय जानने की कोशिश करी थी दादा भाई नरोजी जी ने आपने सुना होगा इनके बारे में द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी किताब लिखते हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट किताब बहुत इंपॉर्टेंट किन्स किताब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किताब दादा भाई नरोजी लिखते हैं इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इस थ्योरी के अंदर दादा भाई नरोजी ने बताया था कि किस तरीके से जितने भी ब्रिटिशर्स थे अंग्रेज थे उन्होंने वेल्थ को ड्रेन किया ब्रिटेन के अंदर ड्रेन का मतलब समझते हो बहाना कैसे बहाया था ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या किया कि भारत के अंदर आने का उनका एक ही मकसद था दैट इज भारत का ड्रेन करना भारत की जितनी भी संपत्ति वो ब्रिटेन के अंदर ले जाके ड्रेन कर देना एक आ जाता है कि भारत से संपत्ति लेके उन्होंने थेम्स के अंदर ड्रेन कर दी थी बहा दिया था पैसे को इस थ्योरी को दादा भाई नरोजी ने लिखा और इसी दौरान दादा भाई नरोजी ने पहली बार ईयर याद रखिएगा 1876 के अंदर इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय जानने की कोशिश करी है ना इसीलिए क्या कहा जाता है दादा भाई नरोजी को इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नेशनल इनकम भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसका एक ही रीजन है कि भारत के अंदर पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय क्या है वो जानने की कोशिश किसने करी वो जानने की कोशिश दादा भाई नरोजी ने करी थी याद रखिएगा इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दो किताबें इनकी याद रखना पहली पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दूसरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है जब इन्होंने नेशनल इनकम को जानने की कोशिश करी उस दौरान दादा भाई नरोजी ने यह बताया कि भारत के अंदर जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आय है अगर पर प्रति प्रति व्यक्ति व्यक्ति के के हिसाब से बात की जाए तो राष्ट्रीय भारत अंदर के केवल बीस रुपया है यह दादा भाई नरोजी ने बताया था अब देखिए इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं बिकॉज आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं अदरवाइज हमको क्या पढ़ना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट करी थी इसमें इन्होंने पनीर रखा था मीट रखा था बहुत सारी चीजें रखी थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे के के टाइम पर भी उस चीज बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बट याद रखिएगा अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना या भारत के अंदर पहली बार नेशनल इनकम निकालने की कोशिश किसने करी तो ये करी थी दादा भाई नरोजी ने ये पॉइंट याद रखना Important point है 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 के अंदर पूछा पूछा जाता कई गया भी है, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। आगे बात करें दादा भाई नरोजी के बाद जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से भारत की राष्ट्रीय जानने की कोशिश करी देखिए दादा भाई नरोजी ने कोई साइंटिफिक तरीका नहीं लगाया था उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी के बेस पे भारत की राष्ट्रीय आय जानने की वो कोशिश कर रहे थे बट भारत के अंदर पहली बार साइंटिफिक तरीके से याद रखिएगा वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपर मेथड का यूज करके जिस व्यक्ति ने भारत की राष्ट्रीय आय जानने की कोशिश करी उनका नाम था प्रोफेसर प्रोफेसर वी वी के आर राव साहब राव साहब ने नाइन वन थर्टीप्ट का यूज करके नेशनल इनकम को जानने की कोशिश करी बट इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा अजीब ही था मतलब उस कॉन्सेप्ट को मान्यता नहीं दी गई और याद रखिएगा कि वो बहुत सेटिस्फाई नहीं रहा तो याद रखिएगा इसके बाद किसने करा था प्रोफेसर वी के राव साहब ने दूसरी बार करी नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे भारत के आजाद होने के बाद भारत जब आजाद हो गया 1947 के अंदर भारत आजाद होता है और 1949 के अंदर याद रखिएगा 1949 के अंदर क्या होता है भारत के अंदर एक नेशनल इनकम कमेटी एस्टेब्लिश की जाती है और नेशनल इनकम कमेटी एस्टेब्लिश होने के बाद इसके जो हेड होते पीसी महालनोबिस याद रखिएगा इनके नाम काफी फेमस है प्लानिंग इन इंडिया के अंदर भी इनका नाम हम पढ़ेंगे पीसी मलबिस डॉक्टर गॉडगिल और वही हमारे वी के एन राव साहब ये पहली बार ऑफिशियल अटेम्प्ट करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय निकालने का याद रखिएगा पहली बार ऑफिशियल अटेम्प्ट किया जा रहा है इसके पहले कैसे किए जा रहे थे अनऑफिशियल भारत सरकार की तरफ से अटेम्प्ट नहीं किए जा रहे थे पहली बार ऑफिशियल अटेम्प्ट लगा के इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करी तो नाम याद रखना इनका नाम था पी सी मलबिस साहब आगे अगर अपन बात करें तो आज के टाइम पर भारत की राष्ट्रीय आय निकालने का काम कौन करता है कौन बताएगा आज भारत के अंदर जो नेशनल इनकम की अपन बात करते हैं ना वो निकालने का काम कौन सी बॉडी करती है बताइए भारत के अंदर राष्ट्रीय आय निकालने का काम आज की तारीख में कौन सी बॉडी करती है जल्दी बताइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्टिंग भी है बोलिए फाइनेंस कमीशन नहीं लिखा है यहाँ पे नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस याद रखिएगा भारत के अंदर एनएसओ वो विभाग है वो बॉडी है जो भारत के अंदर आज नेशनल इनकम निकालने का काम करती है भूलना मत है है ना ये कई बार क्या होता है बेटा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर नेशनल इनकम निकालने का काम कौन सी बॉडी करती है भारत के अंदर नेशनल इनकम निकालता कौन है याद रखिएगा एन एसओ नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो है भारत के अंदर नेशनल इनकम निकालने का काम करता है याद रखिएगा नेशनल स्टैटिक कमीशन ऑफ स्टेब्लिश टू थाउजेंड सिक्स इट वॉज बेस्ड ऑन द रंग राजन कमीशन याद रखिएगा रंग राजन कमीशन के बेस्ड या उनकी रिपोर्ट के ऊपर बेस था और दो हजार छह के अंदर इसकी स्थापना की गई थी क्लियर है याद रखिएगा चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें अब इसके अलावा एन एस ओ कई सारे रिपोर्ट निकालता है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिक्स जेंडर स्टैटिक्स कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज नेशनल इनकम अकाउंटिंग करता है याद रखिएगा ये ये के सारी जो रिपोर्ट से, सारी के सारी जो जो सारे सारे कौन कर रहा है? एनएसओ करता है क्लियर है याद रखिएगा चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हुए नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है देखिए नेशनल इनकम को मेजर करना है किसी देश की राष्ट्रीय आय को मेजर करना है आपको लगता है कि काम आसान होगा ये कोई आसान काम नहीं है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को मेजर करना इतना आसान काम नहीं होता आप सोचिए ना एक बार अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आपके जितने भी मोहल्ले के लोग हैं ना उनकी सैलरी को मेजर करके आओ ठीक है किसकी सैलरी कितनी है सारे मीडियम से जो इनकम के रिसोर्सेस थे ना आप चाहे वेजेस की बात करो चाहे प्रॉफिट की बात करो चाहे रेंट की बात करो चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करो अगर मैं आपसे आपके एरिया के लोगों का इनकम निकालने की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कठिन मुद्दा है इसको निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है अब आप सोचिए यहाँ पर हम पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं केवल किसी एक राज्य के नहीं निकाल रहे हैं किसी एक कंट्री के नहीं निकाल रहे हैं किसी एक बेसिकली मोहल्ले के नहीं निकाल रहे हैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है नेशनल इनकम निकालने का इसीलिए नेशनल इनकम निकालने के लिए कई तरह के मेजर्स का यूज किया जाता है कई तरह के तरीकों का यूज किया जाता है जैसे एग्जाम्पल की बात करें जी हमारा एन डी एनएनपी ये सारी के सारी राष्ट्रीय आय निकालने के तरीके हैं ये कह सकते है कि राष्ट्रीय आय को इन कॉन्सेप्ट के द्वारा निकाला जाता है अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो सबके दिमाग में है और कई बार क्या होता है ना कि जीडीपी के बारे में मैं पहला कॉन्सेप्ट बता ही दू कि हम जीडीपी के बारे में बात करने वाले जीडीपी इतना बेसिक शब्द है कि लोगों को लगता है कि बड़ी आसान सी चीज है ये लगता है ना जीडीपी का जैसे दिमाग में जीडीपी आता है जीडीपी के बारे में हम क्या समझते हैं कि भैया जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मीनस पूरे तरीके से भारत के अंदर जितने भी लोगों की आय हो रही है जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके मार्केट के अंदर मनी वैल्यू जब आप निकाल देते हैं मार्केट के अंदर जब मनी फॉर्म के अंदर उसकी वैल्यू निकालेंगे वो आपकी जीडीपी हो जाती है नॉर्मली हमको यही लगता है ये लगता है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में नॉर्मली हम यही समझते हैं हां जी हम यही समझते हैं नॉर्मली कि हाँ जी इसी को कहते हैं बट वास्तविकता में जी डी इससे कहीं आगे आप समझिएगा जीडीपी का डेफिनेशन बेसिक से समझना बहुत जरूरी है अगेन मैं वही चीज बोलूंगा बेसिक से समझना जीडीपी का डेफिनेशन बेसिक से समझ लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी जीडीपी की जब हम बात करते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका बेसिकली मतलब क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मनी वैल्यू ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को समझना है टोटल मनी वैल्यू मनी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि, कि किसी कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई उसके मार्क की उस चीज की उस गुड्स की उस सर्विसेज की मार्केट के अंदर मनी के फॉर्म में वैल्यू क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में एक हजार कार प्रोड्यूस हुई हर एक कार का प्राइस था एक हजार रुपए तो मार्केट के अंदर उसके कार की जो टोटल वैल्यू आई है वो आपकी जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी मतलब मार्केट के अंदर जो मनी वैल्यू है याद रखना पैसे के फॉर्म के अंदर जो वैल्यू है जीडीपी के अंदर वो ऐड की जाती है दूसरी कब की ऐड की जाती है

भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी में क्या क्या आता है यहां पर देखिए पर हम जियोग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं करते हैं किसी कंट्री की। निकालने के समझना बहुत जरूरी है, बेसिक यही है। समझो इस चीज को यही तो बेसिक है इसी को तो भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर बेसिक समझना जरूरी है वॉट डू अंडरस्टैंड इकोनॉमिकल टेरिटरी इकोनॉमिकल टेरिटरी बहुत अलग है भैया बताता हूं मैं कैसे इकनॉमिकल टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर केवल हमारा भारत नहीं आता है बहुत सारी चीजें आती फॉर एग्जाम्पल बात की जाए एंड काउंसलेट्स फॉर एग्जाम्पल भारत का एक एम्बेसी कैनेडा के अंदर है या भारत की एम्बेसी यूएसए के अंदर है यह भी भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर आता है जी हाँ समझिए इस चीज को हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर यूएसए नहीं आता है यूएसए तो दूसरी कंट्री है बट अगर भारत की कोई एम्बेसी यूएसए के अंदर है जो भारत सरकार की है या भारत सरकार की कोई एम्बेसी कनाडा के अंदर है वो भी हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर आती है दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा टेरिटरी लेइंग विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग एयर स्पेस हमारी एयर स्पेस भी हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी है एंड टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री हमारा जो टेरिटोरियल वाटर है जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है ध्यान से सुनना समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल के दूर तक का वाटर भी हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं हम लोग लाइसेंस वसूलते हैं फीस वसूलते हैं कोई जहां जाता है उससे हम टैक्स लेते हैं सारी चीजें करते हैं वो भी हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर आता है इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा फॉरन एम्बसीज इन इंडिया आर नॉट पार्ट जैसे यूएसए के अंदर भारत की जो एम्बेसी है वो हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी का पार्ट है अब भारत के अंदर अगर यूएसए की एम्बेसी है तो क्या वो भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी का पार्ट होगा नहीं होगा सीधी सी बात है भैया वो यूएसए की इकोनॉमिकल टेरिटरी का पार्ट है समझ में आ रहा है ना भारत के अंदर या चाइना चा, चा, की बात करते हैं देखो चाइना के अंदर भारत की एम्बेसी है वो भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी चाइना की एम्बेसी बट चाइना की एम्बेसी अगर भारत के अंदर है तो वो भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा वो तो चाइना की टेरिटरी के अंदर आ जाएगा तो ये पॉइंट याद रखिएगा इसके बाद हम बात करें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड भारत का अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है मान लेते हैं कि मॉलदीव्स के अंदर मॉलदीव्स के अंदर भारत का एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो भी भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी है जी हाँ भारत का मिलिट्री बेस अगर मॉरिशस के अंदर है भारत का मिलिट्री बेस अगर श्रीलंका के अंदर है भारत का मिलिट्री बेस अगर टर्की के अंदर है हालांकि अभी है नहीं वो भी हमारे इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर आता है इकोनॉमिकल तो टेरिटोरी कोई बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है इसलिए कह रहा हूं कि बेस को समझो बेस को समझ लिया ना तो सब क्लियर हो जाएगा आगे बात करते हैं फिशिंग विसिल्स शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंस एग्जाम्पल की बात करी कि हमारे भारत के अंदर एक आदमी है जिसकी भैया एयरक्राफ्ट की कंपनी है वो है ना शिपिंग के अंदर भी एयरक्राफ्ट के अंदर भी उसके जहाज चलते पूरी दुनिया के अंदर अब पूरी दुनिया में जहाज चल रहे हैं बट पूरी दुनिया में जब जहाज चल रहे हैं बट स्टिल वो जो कंपनी है वो किसके अंदर आएगी वो भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर आएगी बिकॉज जो व्यक्ति उसको चला रहा है कंपनी को उसको जो प्रॉफिट हो रहा है भले ही जहाज पूरी दुनिया के अंदर चल रहे बट पैसा कहा आ रहा है भारत के अंदर आया वो भी भारत की किस में आता है इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर आता है ये पॉइंट याद रखिएगा क्लियर है इतना समझ में आ गया तो इसको जीडीपी कहा जाता है जीडीपी का कॉन्सेप्ट इतना छोटा नहीं है यहां पर क्या लिखा है कंट्रीज फाइनेंशियल इंडिया इकोनॉमिकल टेरिटोरी याद रखना हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि ये अपनी जो इकोनॉमिकल टेरिटरी है ना जो इकोनॉमिकल टेरिटरी यहां पर ले लिए जीडीपी के अंदर फिर पैसा कोई भी प्रोड्यूस करे चीजें कोई भी प्रोड्यूस करे फिर चाहे वो एक फॉरेनर हो या फिर वो एक सिटीजन हो फॉर एग्जाम्पल बात करें माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कहां की कंपनी इंडिया नहीं, की नहीं है बाहर की कंपनी बट माइक्रोसॉफ्ट का अगर ऑफिस मान लेते हैं कि इंदौर के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंदौर के अंदर है। अब इसको जीडीपी में काउंट करेंगे? Yes, करेंगे याद रखना फर्क नहीं पड़ता है कि आप भारत के हो या भारत के बाहर के हो अगर आप हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर आते हो तो आपको हम अपनी जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे सीधी सी बात है क्लियर हो गया समझ में आ गया यस yes. तो देखो छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है ग्रेट चलिए ठीक है पॉजिटिव ओके चलिए अब जीडीपी भी क्या है? GDP भी होती है जीडीपी भी कई तरह की होती है मेजरली जीडीपी दो टाइप की होती है पहली आपकी होती है रियल जीडीपी जो कि बेस ईयर के ऊपर कैलकुलेट की जाती है ध्यान से सुनिएगा रियल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है बेस ईयर के ऊपर और दूसरी आपकी होती है नॉमिनल जी जो कि करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है अब सवाल आता है कि व्हाट व्हाट इज इज बेस प्राइस प्राइस एंड करंट ये दोनों आपको समझना पड़ेगा बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है समझिएगा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया ना याद रखिएगा रियल जी डी पी नॉमिनल जी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस ईयर की बिकॉज हमको अगर रियल जीडीपी समझना है रियल जीडीपी पढ़ना है तो उनको बेस ईयर समझना या बेस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी होगा बिकॉज आपकी जो रियल जीडीपी वो बेस प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है वो बेस ईयर के प्राइस पर डिपेंड करती है अब सवाल आता है कि बेस ईयर होता क्या बेस ईयर प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं आप बेस ईयर प्राइस की बात करते हैं बट बेस ईयर बेसिकली है क्या देखिए ध्यान से सुनिएगा बेस ईयर इज अ बेंचमार्क कंसर्निंग ईयर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि हम इस ईयर के द्वारा कंपेयर करते हैं चीजों के प्राइस को फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जो बेस ईयर है आज के टाइम पे वो याद रखिएगा वो 2011 हजार है समझिएगा भारत का आज का बेस ईयर 2011 हजार ग्यारह बारह अब इसमें बेस ईयर बेसिकली होता क्या है ये वो साल होता है जिससे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम बात करें दो हजार के अंदर एक चीज का या एक कार का प्राइस था दो लाख रुपए 2024 के अंदर उस कार का प्राइस हो गया चार लाख रुपए ध्यान से सुनना अगर मैं रियल जीडीपी निकालता हूं अगर मैं रियल जीडीपी निकालता हूं रियल जीडीपी के अंदर हम ये देखते हैं कि साल भर के अंदर हमने उस उस आ, जो कार थी साल भर के अंदर हमने वैसी सौ प्रोड्यूस करी अब मुझे बताओ कि रियल जीडीपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेस ईयर के ऊपर प्राइस निकालते हैं रियल जीडीपी के अंदर क्या किया जा रहा है बेस ईयर के ऊपर प्राइस निकाला जा रहा है सौ कार दैट मीनस यहां पर हम बात कर रहे हैं दो सौ लाख की जब इन सौ कार को मैं रियल जीडीपी के अंदर कन्वर्ट करूंगा इन सौ कार के प्राइस को मैं भारत की रियल जीडीपी के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो इनका जो प्राइस में लूंगा वो बेस ईयर वाला लूंगा वो करंट ईयर वाला नहीं लूंगा बट जब मैं बात करता हूं नॉमिनल जीडीपी की नॉमिनल जी अगर मैं लेता हूं तो नॉमिनल जी के अंदर हम लोग करंट ईयर का प्राइस लेते हैं तो यहां पर ही हो जाएगा चार सौ लाख तो सीधी सी बात है नॉमिनल जीडीपी करंट जीडीपी या अगर मैं बात करूं कि रियल जीडीपी की मैं बेसिकली बात करूं रियल जीडीपी के अंदर ध्यान से सुनिएगा जो चीजों का प्राइस है वो बेस ईयर के ऊपर लिया जाता है वो करंट ईयर के ऊपर लिया नहीं जाता है और भारत के अंदर जो बेस ईयर है दैट इज टू थाउजेंड याद रखिएगा शुरुआत में क्या था पहले दो हजार था बट लंबे समय से भारत सरकार सोच रही है कि इसको दो हजार कर दें बेस ईयर को Because क्या है दो हज़ार चार के बाद दो हजार ग्यारह बारह आप करते हो बट चीजों के प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं उसके बाद तो याद रखिएगा कि आज के टाइम पर जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की रियल जीडीपी के अंदर जो चीजों के गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं, वो बेस ईयर पे काउंट किए जाते हैं फॉर एग्जांपल वही चीज है कि 2011-12 के अंदर जो प्राइस था आप उसको काउंट करोगे और उसको ऐड करोगे किसमें जीडीपी के अंदर वही चीज है कि पहले हम ये मान रहे थे कि उस कार का प्राइस आज की तारीख में अगर मैं 2024 की बात करूं तो कार का प्राइस भले ही आठ लाख रुपए है पर 2011-12 के अंदर उस कार का प्राइस था लाख रुपए हमने कितनी कार प्रोड्यूस करी हमने सौ कार प्रोड्यूस करी तो जीडीपी के अंदर अगर मैं आपकी रियल जीडीपी निकालूंगा तो मैं चार लाख रुपए ऐड करूंगा जीडीपी के अंदर रियल जीडीपी के अंदर बट जब मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूंगा तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर में 800 लाख रुपए ऐड करूंगा वाई बिकॉज नॉमिनल जीडीपी के अंदर बेस ईयर के ऊपर प्राइस नहीं निकाला जाता है नॉमिनल जीडी की जीडीपी काउंट की जाती है करंट ईयर प्राइस के ऊपर करंट प्राइस के ऊपर बट जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की तो रियल जीडीपी निकाली जाती है बेस ईयर प्राइस के ऊपर या बेस प्राइस के ऊपर निकाली जाती है समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हाँ जी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रियल जीडीपी का जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे निकालेंगे रियल जीडीपी बेस प्राइस पे निकालेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यस और नो प्लीज कंफर्म देखो समझो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग भी है और समझ में आनी चाहिए ठीक है अब आप भी समझ रहे बच्चा समय सीमा की थोड़ी सी कमी मेरे पास होती है बिकॉज दिस इज द यूट्यूब क्लास ये अभी आपके ऐप के अंदर क्लासेस नहीं चल रही है uh...

तो भारत की जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर भी निकाली जाती है इसके अलावा भी जीडीपी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं फॉर एग्जाम्पल हम बात करें दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ा इसके बारे में किसी ने जी जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसके बारे में किसी ने पढ़ा ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है काफी पुराना कॉन्सेप्ट है देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता क्या ध्यान से सुनिएगा पहले पढ़ते हैं और उसके बाद मैं समझाता हूं देखिए ध्यान से सुनिएगा शन ऑफ जी डी पी एट द एक्चुअल ट्रांसकेटेड प्राइस इनक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस लिविट एंड सब्सिडीज प्रोवाइडेड मार्केट प्राइस मार्केट के अंदर कोई चीज कितने की मिल रही है फॉर एग्जाम्पल बात करें कोई चीज मार्केट के अंदर आठ सौ रुपए की मिल रही है इसमें क्या क्या इंक्लूड है इसमें टैक्स भी इंक्लूड है सरकार जो टैक्स लेती कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स फीस वो थी सात सौ रुपए की 100 का सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लिया और फाइनल वो चीज मुझे कितने की पड़ी आठ सौ रुपए की पड़ी याद रखना इसमें सब्सिडी माइनस होती समझते ना? मतलब होता है रियायत जो सरकार देती है सरकार अपनी तरफ से उस पैसे को भरती है फिर कंपनी को आपने सुना होगा ऐसा कि अभी अगर मैं बात करूं कि बीज के अंदर यूरिया खाद के अंदर फैक्ट्री के अंदर या अगर मैं सीधी सी बात करूं कि यूरिया खाद की बोरी अगर पांच सौ रुपए की है तो सरकार उस पर पचास रुपए की छूट देती है समझ रहे हो ना वो क्या होती है वो आपकी सब्सिडी होती है सरकार वो सब्सिडी क्या देती है सरकार एक तरीके से वो आपको रियायत देती है तो ये पॉइंट याद रखिएगा रियायत का मतलब ये नहीं होता कि सरकार अब उस पैसे को कंपनी को नहीं देगी सब्सिडी का पैसा सरकार को कंपनी को देना पड़ता है क्लियर है तो जब हम बात करते हैं जी एट मार्केट प्राइस की तो जी एट मार्केट प्राइस में आपको डायरेक्टली जो चीज मार्केट के अंदर जिस प्राइस पे पड़ रही थी जब आप उस प्राइस को कैलकुलेट करके आप कंट्री की जीडीपी निकालते हो तो वो आपकी होती है कौन सी जीडीपी एट मार्केट प्राइस याद रखना इसमें सभी तरीके के डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज इसमें से ऑलरेडी एडजस्ट कर ली जाती है माइनस कर ली जाती है दूसरी एक और तरीका होता है जीडीपी निकालने का दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है फैक्ट्री में बनाने में कितना पैसा लग रहा है किसी चीज को वही चीज की अपन बात करते हैं फैक्ट्री में किसी चीज को बनाने में मान लो 700 रुपए लग रहा था ठीक है सरकार उस पे क्या ले रही थी 100 रुपए टैक्स ले रही थी जब हम बात करते हैं मार्केट कॉस्ट के ऊपर जीडीपी निकालने की तो उसमें हम टैक्स को इंक्लूड नहीं करते है। देखो क्या लिखा डजंट इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स और इन बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स नॉट द डायरेक्ट टैक्स इसमें डायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने में कितना पैसा लगा कंपनी का उसके ऊपर जीडीपी को निकाला जाता है सात सौ रुपए की पड़ी छह सौ रुपए की पड़ी तीन सौ रुपए की पड़ी इसमें सरकार का टैक्स नहीं जोड़ा अभी भैया हमने ना सरकार का जोड़ा ना अपने को जो टैक्स देना है वो जोड़ा अपन ने मार्केट प्राइस के अंदर उस चीज की वैल्यू कितनी आ रही है मार्केट के अंदर वो चीज कितने की पड़ रही है उसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं इंक्लूड्स सब्सिडीज प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्शन मतलब ध्यान से सुनना इंक्लूड सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्शन का मतलब यह है प्रोडक्शन के लेवल पर सरकार ने जो सब्सिडी प्रोवाइड करी थी उसको माइनस नहीं किया है उसको ऐड कर लिया है मान लेते कि प्रोडक्शन के लेवल पे वो चीज सात सौ की पड़ रही थी सरकार सात सौ की चीज को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी पचास रुपए की भैया पचास रुपए की हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं आपको इसमें सब्सिडी को मार्ग माइनस या कह सकते हैं कि खत्म नहीं कर रहे हैं कम नहीं कर रहे हैं सब्सिडी इसके अंदर इंक्लूड ही है अभी सब्सिडी को भी माइनस नहीं किया है ये रॉ प्राइस है किसी भी चीज का इतने का पड़ा है साहब हमको सात सौ रुपए का सरकार ने क्या सब्सिडी दी कोई मतलब नहीं कितना टैक्स सरकार लेगी कोई मतलब नहीं ये रॉ प्राइस पड़ रहा है अभी याद रखना इसे कहा जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट याद रखना ये बिल्कुल रॉ प्राइस होता है किसी भी चीज का क्लियर हो गया समझ में आ गया यहां तक क्लियर है चलिए जीडीपी आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे जीएनपी के बारे में या जीएनपी के नाम से जाना जाता है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके कंपनी स्पेस टैक्स एंड गवर्नमेंट एंडमेंट इंक्लूड बिल्कुल सही बात है रॉ प्राइस है बेटा फैक्ट्री कॉस्ट घटाया बढ़ाया जितने का पड़ा उतना बता दिया बस क्लियर है चलिए <coughs> ठीक तो है अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज जीएनपी जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखिए बहुत आसान है ये इसमें दो चीजें याद रखना है आपको पहले डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए बिकॉज डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है जीएनपी रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट एंड बिजनेसेस ऑफ अ कंट्री इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द देयर प्रोडक्शन सीधी सी बात है इसमें जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे जीडीपी के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे भारत की टेरिटोरी के अंदर भारत का जो इकोनॉमिकल टेरिटरी थी उसके अंदर जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी इन रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी चाहे वो फॉरिनर प्रोड्यूस कर रहा था चाहे फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कौन कर रहा था भारत का ही कोई व्यक्ति कर रहा था हमको फर्क नहीं पड़ता जब हम बात करते हैं जीएनपी की जी के अंदर बारे में ध्यान रखिएगा जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्यों बिकॉज जी के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं हम ऐड करते हैं वो सारी इनकम्स जो हमको बाहर से मिल रही है फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर कोई भारतीय अमेरिका के अंदर काम कर रहा है अमेरिका के अंदर काम करके वो वहां पैसे कमाता है वहां सैलरी कमाता है उस सैलरी का कुछ हिस्सा वो भारत के अंदर अपने मम्मी पापा को भेज रहा है उसको भी अपन ऐड करते हैं सीधी सी बात एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जब हम बात करते हैं जी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं इसमें आप यह समझिए कि पूरा जी आप लेते हैं जितना भी जी का पी था आप वो जी लीजिए उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दीजिए अब्रॉड से बाहर से जितनी भी इनकम हो रही है बाहर से इनकम कैसे होती फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ये जैगवार फैक्ट्री जैगवार की, की फैक्ट्री मान लेते हैं कहां पर फैक्ट्री यूके के अंदर है। अब को ऑन कौन, कौन करता है मुझे बताओ जैगवार अगर यूएसए की फैक्ट्री है, है, है जीडीपी के अंदर इसको काउंट करेंगे काउंट नहीं करेंगे भले ये फैक्ट्री एक भारतीय काउंट नहीं होगी क्यों बिकॉज ये जो फैक्ट्री है और यूके का वो एरिया भारत की इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर नहीं आता बट जब हम बात करते हैं जीएनपी की ध्यान से सुनना जब हम बात करते हैं जीएनपी की तो जैगुआर को टाटा ऑन करते हैं नहीं पता हो तो पढ़ लेना जैगुआर को टाटा ऑन टा करते हैं जी हां रतन टाटा जी की बात कर रहा हूं टाटा जैगुआर को ऑन करता है अब टाटा अगर जैगुआर को ऑन करता है तो भले ही उनकी फैक्ट्री यूके के अंदर है प्रॉफिट कहां आ रहा है पूरा का पूरा प्रॉफिट भारत के अंदर आ रहा है तो इनकम फ्रॉम एब्रॉड को आप एड कर दो जीडीपी के अंदर ध्यान से सुनना जीडीपी के अंदर आप इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाता है आपका जीएनपी आ जाता है क्लियर हो गया समझ में आ गया अब इनकम फ्रॉम एब्रॉड कई तरीके से हो सकती है देखिएगा यहां पर जैसे एग्जाम्पल की बात करें ये जो बच्चे हैं ये सारे बच्चे हैं मान लेते हैं कि ये सारे जो बच्चे हैं ये कहां पर पढ़ रहे हैं यूएसए के अंदर पढ़ते हैं भैया पढ़ने के बाद इनकी जॉब वहीं पे लग गई अब ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भारत में अपने माता पिता को भेजेंगे हर साल हर महीने भेजेंगे तीन हजार डॉलर चार हजार डॉलर हर महीने भेज रहे हैं ये भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर काउंट किया जाता है ध्यान से सुनना इसको भी इनकम फ्रॉम अंदर काउंट करेंगे क्लियर है समझ में आ गया क्या क्या काउंट करते हैं जीएनपी के अंदर प्राइवेट रिमिटेंस प्राइवेट रिमिटेंस का मतलब क्या होता है वही प्राइवेट पैसा जो भेजा जा रहा है प्राइवेट कंपनी का पैसा है वो टाटा की मैंने बात करी उन बच्चों की बात करी इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन इसका मतलब क्या होता है देखो भारत ने मान लो ब्राजील को लोन दिया था ब्राजील हर महीने उसका इंटरेस्ट भारत को देता है यह भी ऐड किया जाएगा इसके अंदर एक्सटर्नल ग्रांट्स याद रखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ग्रांट्स की ग्रांट्स का मतलब क्या होता है ग्रांट का मतलब होता है अनुदान लोन नहीं है ये ग्रांट मिला है ग्रांट को वापस नहीं करना पड़ता समझो ग्रांट मतलब क्या है दान आप मान के समझ लो दान मिल रहा है दान को वापस नहीं करना पड़ेगा किसी कंट्री से हमारे पास पैसा आ गया भैया किसी एनजीओ के अंदर पैसा आ गया, कहीं भी पैसा आ गया दस लाख रुपए पचास लाख इसमें इस पैसे को भी काउंट किसमें किया जाएगा जीएनपी के अंदर किया जाएगा समझ में आ गया जीएनपी क्लियर हो गया यस। दान दक्षिणा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है अनुराग साहब क्लियर है समझ में आ गया समझो yes. ये कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे समझना इस बात को okay. चलिए आगे बात करते हैं जीएनपी क्लियर हो गया जीडीपी क्लियर हो गया चलिए अब हम आते हैं किसके ऊपर हम आते हैं एनडीपी के ऊपर देखिए एनडीपी क्या होता है एनडीपी बड़ा आसान है एनडीपी एनडीपी का फॉर्म याद रखिएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको जीडीपी का डेफिनेशन याद था जीडीपी का डेफिनेशन याद है ना जीडीपी का मतलब क्या था? किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिकल टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर जो भी फाइनल गुड्स ऑफ सर्विस हैं उनकी मार्केट में मनी वैल्यू क्या है उसको अपन जीडीपी बोल रहे थे आप एक काम कीजिएगा आप जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ध्यान से सुनना जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को जब आप माइनस कर देते हैं तो आपका एनडीपी आ जाता है क्या लिखा है यहां पर द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आफ्टर एडजस्टिंग द डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद जो पैसा आ रहा है वॉट डू अंडरस्टैंड बाई डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है हिंदी में डेप्रिसिएशन को कहा जाता है मूल्यहास देखो मूल्यहास के अकाउंट्स वाले बच्चों के एकदम कान खड़े हो गए होंगे ना डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का लेजर बनाते हो जनरल बनाते हो तो डेप्रिसिएशन तो कई बार अपन लगाते हैं ना चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी लगाते हैं हाँ लगाते हैं सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है बच्चा साल दर साल समय के साथ साथ एक लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो एंड कंडीशन ये बड़ा फेमस शब्द है एंड टीयर कंडीशन कि किसी चीज को यूज करते समय या जैसे से आप यूज करते हैं उस चीज की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती होती जाती है कि नहीं एक कार की वैल्यू शुरुआत में आठ लाख थी ठीक है दो के अंदर कार आपने खरीदी थी दो के अंदर कार की वैल्यू जो है वो कम हो गई है वो छ लाख हो गई है दो के अंदर वो और कम हो जाएगी पांच आर हो गई है मान लेते हैं 2030 के अंदर वो और कम हो जाएगी वो दो लाख ही रह गई है तो क्या होता है समय के साथ हर व्यक्ति व्यक्ति तो नहीं बोल सकते व्यक्ति की कीमत बढ़ती है अगर वो अच्छा काम करे तो बट हर वस्तु की कीमत के अंदर लगातार कमी आती जाती है अब यहाँ पर एक शब्द शायद मैंने ज्यादा बोल दिया हर वस्तु तो नहीं बोल सकते बट मोस्ट ऑफ द चीजों की कीमत के की अंदर क्या होती कमी आती जाती है उस कीमत को एडजस्ट करने के बाद जब आप उस कीमत को एडजस्ट कर देते हैं जब आप उस डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर देते हैं उसके बाद जो अमाउंट निकल के आता है दैट इज योर एनडीपी वो आपका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद रखिएगा एनडीपी के अंदर आप क्या एडजस्ट कर देते हैं एनडीपी के अंदर आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर देते हैं मूल्यहाज को एडजस्ट कर देते हैं चीजों के जो प्राइजेस कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वियर एंड टीयर कंडीशन उसके प्राइस को एडजस्ट करने के बाद जो आपका अमाउंट आता है दैट इज द एनडीपी क्लियर है समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट आपका होता है एनएनपी एनएनपी के बारे में सुना है एनएनपी एनएनपी भी काफी आसान है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट याद रखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है अब इस पूरे को मत देखो इसको पूरे को मत देखो आपको केवल फॉर्मूले को देखना है एनएनपी क्या होता है बहुत आसान चीज है एनएनपी के लिए आप क्या करते हैं आप सबसे पहले आपकी जीडीपी लीजिए जीडीपी कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया उसमें इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर दो इनकम फ्रॉम एब्रॉड कौन सी प्राइवेट रिमिटेंस के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो भी सारी चीजें मिल रही इनकम ऑफ एब्रॉड को ऐड कर दो उस minus कर दो उसमें से माइनस कर आप डेप्रिसिएशन दैट मींस जब आप जीडीपी के अंदर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हो देखो ध्यान से जीडीपी के अंदर आपने इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर दिया तो आपका जीएनपी आ गया और जब जीएनपी में से या जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए तो आपका एन आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मानो या ना मानो यही हमारी कंट्री की रियल इनकम होती है क्यों बिकॉज आप देखो ना आपने सारे गुणा जोड़ घटाओ भाग सब तो कर लिया इसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया आपने इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दी आपने जीडीपी जोड़ दिया सारे गुणा भाग सारे गणित लगाने के बाद आपकी जो इनकम आती है दैट इज योर एनएनपी नेशनल इनकम इसी को माना जाता है हमारी तो आप, को जब आप देखते, सारे जोड़ गुणा, सब करने के बाद जो आपकी रियल इनकम निकल के आती है काफी इंटरेस्टिंग है क्लियर हो गया समझ में आ गया एन क्लियर है प्लीज कंफर्म बिकॉज एन एन कहीं एग्जाम्स में पूछा गया है हाँ सर पूछा गया है क्लियर हो गया समझ तो में आ गया <coughs> अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं टाइप ऑफ इनकम का उसके बाद आज के लेक्चर को खत्म करते हैं बिकॉज नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर पढ़ाऊंगा मैं यहां तक क्लियर हो गया <coughs> ग्रेट चलिए आगे बात करें अब आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम मनी का कॉन्सेप्ट है इनकम का कॉन्सेप्ट है पैसे का कॉन्सेप्ट है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इनकम इनकम कितनी तरह की होती है टाइप ऑफ इनकम की बात करें पर्सनल लेवल पे के ऊपर अगर मैं बात करूं या नेशनल लेवल के ऊपर बात करूं तो, तो सबसे बड़ी इनकम होती है दैट इज रियल इनकम याद रखना ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जाते हैं रियल इनकम रियल में इनकम क्या है किसी व्यक्ति की याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति की रियल इनकम निकालने के लिए आप उसमें से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं मतलब महंगाई को एडजस्ट करने के बाद किसी व्यक्ति की क्या इनकम निकल रही है वो उसकी रियल इनकम होती फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं देखिए एग्जाम्पल की बात करें किसी व्यक्ति की इनकम एक हजार रुपए ठीक है ध्यान से सुनना रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है एक हजार रुपए ध्यान से सुनिएगा एक हजार पर मंथ वो कमाता है पहले एक हजार के अंदर वो क्या करता था पूरे हाउस होल्ड का खर्चा चला लेता था पूरा घर उसका एक हजार में चल जाता है अब महंगाई बढ़ गई है दस परसेंट के हिसाब से दस प्रतिशत महंगाई बढ़ गई अब होता यह है कि उसे अपने घर को चलाने के लिए एक हजार एक सौ ग्यारह सौ रुपए की जरूरत पड़ती है तब जाके वो पूरे घर का खर्चा निकाल पाता है यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा रियल इनकम के अंदर जब हम बात करते हैं तो रियल इनकम के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा इस हिसाब से उन भाई साहब की इनकम एक हजार नहीं हुई है इस हिसाब से भाई साहब की इनकम एक हजार से भी कम है अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूं अगर एक हजार में मैं दस परसेंट का इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूं तो इन भाई साहब की इनकम एक हजार नहीं है इनकी इनकम लगभग नौ सौ रुपये है ये रियल इनकम है इनकी देखने में ही हजार लग रही है बट इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई को देखते हुए इनकी इनकम लगातार धीरे 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 कम होती जा रही कहते हैं ना कि आपकी इनकम अगर आज एक लाख रुपए तो एक लाख रुपए की इनकम आपको आने वाले दस साल तक नहीं चलेगी दस साल में आपकी इनकम भी बढ़ना चाहिए क्यों बिकॉज इनकम के साथ आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट होना चाहिए महंगाई भी तो एडजस्ट होना चाहिए महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी परचेसिंग पावर जैसे वैसे कम होती जाएगी याद रखना महंगाई बढ़ी परचेसिंग पावर कम होती गई समझ में आ गया तो ये आपकी होती है रियल इनकम प्रश्न पूछा गया है रियल इनकम में क्या एडजस्ट किया जाता है तो रियल इनकम के अंदर आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है क्लियर है समझ में आ गया क्लियर है चलिए ठीक है इसके बाद आता है आपकी पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम क्या होती है पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्स बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस इन वन ईयर एग्जाम्पल की बात करें मान लीजिए व्यक्ति है ठीक है इसके साल भर की जो इनकम है ध्यान से जो इसका जो सी है ये अगर मैं बताऊं कि इन हैंड इसकी भाई साहब की जो सैलरी है बिना किसी टैक्स के डिडक्शन के बिना डायरेक्ट टैक्स कटे इनका जो प्रॉपर सीटीसी था वो था दस लाख रुपए तो ये इनकी पर्सनल इनकम होगी याद रखना पर्सनल इनकम का सीधा मतलब होता है पर्सनल इनकम में डायरेक्ट टैक्स को माइनस नहीं किया जाता है आई बात समझ में जब भी किसी व्यक्ति की पर्सनल इनकम आप निकालोगे पर्सनल इनकम के अंदर आप डायरेक्ट टैक्स को माइनस नहीं करते हो ध्यान से सुनना बिफोर डायरेक्ट टैक्स बिफोर डिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स बिफोर डायरेक्ट टैक्स को माइनस किए जब किसी व्यक्ति की इनकम निकाली जाती है जब किसी व्यक्ति का सोर्स निकाला जाता है उसकी सैलरी निकाली जाती है जिसमें आपने डायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं किया है अब मान लो इसकी सैलरी के अंदर 10% का टैक्स काटा जा रहा था वो टैक्स आपने माइनस नहीं किया बिना टैक्स काटे उसकी सैलरी 10 लाख रुपए साल भर की सीटीसी जो मिला है इसको तो भाई वो होती है उस व्यक्ति की पर्सनल इनकम क्लियर हो गया इसके अलावा एक छोटा सा और है is, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है आराम से समझते हैं देखिए मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है पहले आप डेफिनेशन पढ़िए छोटे छोटे जो शब्द है ना बेटा ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको समझना जरूरी है कई बार एग्जाम्स में पूछे गए कई बार बताए भी गए हैं एग्जाम्स के अंदर तो ये समझना बहुत जरूरी है देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज एन इकोनॉमिक टर्म फॉर मनी दैट इज अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड कंजम्शन सेविंग एंड स्पेंडिंग आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स मान लीजिए मेरी कुछ सैलरी थी मेरी सैलरी में से पूरा टैक्स काट लिया सरकार ने टैक्स काटने के बाद मेरे पास जो सैलरी आती है इन हैंड सैलरी आ रही जिससे मैं चाहूं तो सेव कर सकता हूं चाहे तो मैं इससे किसी भी तरीके से खर्चा कर सकता हूं चाहूं तो मैं इससे कुछ भी चीज खरीद सकता हूं ये जो आपकी सैलरी होती है इसे कहा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसमें सभी तरीके के टैक्स को आप ऑलरेडी क्या कर देते हो डिडक्ट कर देते हो आई बात समझ में इसमें सभी तरीके के टैक्स को क्या कर दिया जाता है डिडक्ट कर दिया जाता है माइनस कर दिया जाता है और यह आपकी जो इनकम होती है दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसके अलावा एक छोटा सा फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटल इनकम आपने सुना होगा काफी फेमस फार्मूला है पर कैपिटा इनकम इसको पर कैपिटल इनकम भी कहा जाता है किसी व्यक्ति की या किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय आपको निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल इनकम जितनी भी इनकम है मान लीजिए कोई एरिया है इस एरिया की टोटल इनकम सारे लोगों की मिला के आ रही थी एक हजार रुपए और इस एरिया में कितने लोग रहते हैं दस लोग रहते हैं तो हर व्यक्ति के पास कितने रुपए है सौ रुपया है इसी ही कहा जाता है पर कैपिटल इनकम ये इसी का फॉर्मूला है इसे पर कैपिटल इनकम भी कहा जाता है पर कैपिटल इनकम भी कहा जाता है क्लियर है याद रखिएगा दैट इज एन इंटरेस्टिंग चीज और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो पर कैपिटल इनकम आपको पता होनी चाहिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए देखिए बहुत सारी चीजें करवानी तो है बट समय की थोड़ी सी कमी है तो समय की कमी का ध्यान रखते हुए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं और मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूँ आप सभी तब तक अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत भारत माता की जय